हेलो एवरीवन। हाँ जी बेटा, आप लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अब देखो, आप लोगों ने पहले के क्लासेस के अंदर अपने अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, तो आज की क्लास के अंदर हम लास्ट क्लास का जो रिवीजन कर रहे हैं, कोशिश करना, देखते हैं आपके माइंड में थोड़े थोड़े वो कीवर्ड्स आते हैं या नहीं। तो मैंने जो आप लोगों को बताया है कि भाई हमें कैसे करना है, हमें ना एक बार जैसे हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो हमें रिकॉल करना है, हमें सोचना है हाँ हमारे दिमाग में वो कीवर्ड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो डेफिनेटली धीरे धीरे जैसे जैसे हम रिकॉल करते जाएंगे और हमारे माइंड में कीवर्ड्स आने लग जाएंगे, बस हम उसका बेटर और सेंटेंसेस बनाने लग जाएंगे। सो लास्ट क्लास का मैं आपको रिविजन करा रही हूँ, एंड देन उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद आज का क्लास का नया वाला टॉपिक्स। ठीक है, चलो बताओ। सबसे पहले जब हम रिलेशनशिप की बात करते थे, ऑडिटिंग इंटरडिसिप्लिनरी है, इंटरडिसिप्लिनरी बहुत सारी चीज़ों से उसका रिलेशन है। अकाउंटिंग, हम तो अकाउंटिंग के ऊपर ही अपनी ओपिनियन व्यक्त करने जा रहे हैं, तो हमें बेस्ट अच्छी एक्सपर्ट नॉलेज अकाउंटिंग की चाहिए। कैलकुलेशंस, प्रोविजंस जो बने हैं, डेप्रिसिएशन जो है, कैलकुलेशन भी चेक करनी है, प्लस स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मैं 100% चेकिंग नहीं करती हूँ, तो मेरे को सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी थियरी की नॉलेज होना जरूरी है। क्लाइंट के ऊपर लगने वाले जो भी वो बिजनेस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, उसकी बेसिक नॉलेज होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लस लॉ, जो भी क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल लॉज हैं, क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल लॉज मतलब अगर मान लो क्लाइंट एक कंपनी है, तो कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा, उसके शेड्यूल की रिक्वायरमेंट्स उन लोगों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पूरी करनी पड़ेंगी। तो आपको देखना है कि क्या क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त उन लोगों ने लॉ के रिक्वायरमेंट्स का भी, जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त लगते हैं, उनका भी ख्याल रखा है या नहीं रखा है। प्लस आपको कंप्यूटर पर वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज आज के दिन क्लाइंट जो अपने अकाउंट्स रखते हैं वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में रखते हैं, अपना डेटा वही सिस्टम के अंदर उन लोग प्रोसेस कर रहे हैं। आपको लोगों से डील करना है, क्योंकि आपको लोगों से डील करना है सो यू शुड बी टैक्टफुल, आपको लोगों के साथ गेट अलॉन्ग होना आना चाहिए। आपके खुद के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रांग होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको रेशियो एनालिसिस करना आता है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इन सब चीज़ों की नॉलेज आपको है, तो आप क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेटर वे में समझ पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे। क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज होना, उसके यहाँ पे क्या टर्म्स यूज हो रहे हैं, क्या क्या किस किस प्रकार का उनके यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस है, कौन कौन से आइटम्स उनके यहाँ पर यू नो कॉस्ट में आ रहे हैं, जो वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किस तरह का है, इसकी नॉलेज होगी तो बेटर रहेगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये वाले तो वैसे ही सब्जेक्ट्स है ना जैसे कि आप लोग सीए फाउंडेशन में करके आते हो, हमें कोई इसको रट्टा नहीं लगाना है, हमें केवल लॉजिकली समझना है कि अगर उन लोग कुछ एमसीक्यू टाइप्स में पूछने लग जाए तो हम ये बता पाए, या अगर उन्होंने कहा मान लो 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा कि आप कोई से भी 4 सब्जेक्ट से उसका रिलेशन बताइए, या कोई भी 4 डिसिप्लिन से ऑडिटिंग का रिलेशन बताइए, सो ठीक है कम से कम 4-1 चीजें तो हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो देखो, उसके लिए बेसिकली सबकी हेडिंग्स नहीं याद करना है, हमको क्या करना है, फाउंडेशन वाले सब्जेक्ट्स अकाउंट्स पढ़ते थे, मैथ्स मतलब बिजनेस मैथ्स, फिर उसके साथ में वो स्टार्ट्स हो जाता था, इकोनॉमिक्स हो जाता था, लॉ जाता था, ऐसे करके भी हम याद कर सकते हैं। सो नाउ प्लीज टेल मी दिस हेडिंग और ये जो है ये किस वजह से रिलेशन है, ये बात आपको ध्यान आ गई होगी, ग्रेट। चलो अब इसके बाद में जब हम नेक्स्ट वाले पार्ट पर आए थे, क्वालिटीज, ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, जो जो चीजें मैंने बोल्ड की हुई हैं वो मेन कीवर्ड्स हैं। सो ऑडिटर इंटीग्रिटी वाला होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, जो चीज जैसी है वैसा बोलने वाला होना चाहिए, प्लस वो इंडिपेंडेंट होएगा। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब वो अनबायस्ड है, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट है, क्लाइंट एंटिटी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको क्लाइंट के ऊपर लगने वाले लॉस की नॉलेज भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक ट्रेंड की नॉलेज भी होनी चाहिए, प्लस इसके साथ साथ उसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर तो बहुत अच्छी एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज ही इज गोइंग टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो क्लाइंट ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बनाए हैं। प्लस उसको गेटिंग अलॉन्ग विद द पीपल आना चाहिए, मतलब ही शुड बी टैक्टफुल, उसको टैक्ट होना चाहिए, प्लस उसके साथ में आपने कहा जजमेंट लेने की स्किल्स होनी चाहिए, कितना सैंपल साइज रखना है, कौन से आइटम को ज्यादा चेक करना है, सो जजमेंटल स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस लॉजिकल स्किल्स, बिकॉज ऑडिट खुद से एक लॉजिकल प्रोसेस, अगर खुद के लॉजिक्स क्लियर नहीं होंगे
तो आप कैसे चेक करेंगे? टेक्निकल स्किल्स उसको होनी चाहिए. टेक्निकल स्किल्स मीनिंग देयर बाय कि अकाउंटिंग की टेक्निकल स्किल्स, ऑडिटिंग की टेक्निकल स्किल्स, ऑडिटिंग कैसे करते हैं, ऑडिटिंग के फील्ड में क्या क्या नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उन सब की नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज उसको होनी चाहिए. कॉन्फिडेंशियलिटी, वो क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं बताएगा, पर वो कभी कभी बता सकते हैं इफ इट इज परमिटेड बाय क्लाइंट और रिक्वायर्ड बाय लॉ. राइट, एंड कॉशन और पेशेंस से काम करना है, केयरफुली काम करना है, प्रोफेशनल स्किल एंड केयर से उसको काम करना है. तो ये सारी क्वालिटीज अगर उसके अंदर है तो वो ऑडिट का काम अच्छी तरह से कर पाएगा. नाउ प्लीज टेल मी, आपके दिमाग में कुछ कुछ कीवर्ड्स आते हैं? यस मैम, आते हैं. गुड गुड गुड. अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट जो ऐसे दोस्त ओ है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट किसके हिसाब से करना है? एसए के हिसाब से करना है. तो ऐसे 200 टू टाइम्स ओ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताता है और ऐसे 200 कहता है आपको ऐसे के हिसाब से ऑडिट करना है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आवर सिलेबस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट क्या है? देखो मैंने कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दिया. प्लीज ट्राई टू रिकॉल द कीवर्ड्स जो हमने लास्ट क्लास के अंदर समझे थे बहुत अच्छे से. सो ऑडिटर कैसे अश्योरेंस ऑब्टेन करता है? ऑब्टेन करता है रीजनेबल अश्योरेंस. किस चीज के बारे में? कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है, वेदर फ्रॉम एरर और फ्रॉड, चाहे वो मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से हो चाहे वो एरर की वजह से हो, ताकि वो क्या कर पाए टू इनेबल हिम एक्सप्रेस एन ओपिनियन. और ओपिनियन किस बात के ऊपर? कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एफआरएफ बनाए हैं. और उसके बाद ये ओपिनियन वो रिपोर्ट में व्यक्त करेगा और कम्युनिकेट करेगा एज पर एसेस. सो प्लीज टेल मी उसने क्या ऑप्टेन किया? रीजनेबल अश्योरेंस. रीजनेबल अश्योरेंस किस चीज के बारे में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ तो नहीं है, ताकि वो क्या कर पाए, ताकि वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए. किस चीज पर ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाए गए हैं या नहीं, एंड रिपोर्ट करे और कम्युनिकेट करे जैसा कि एसेज ने बोला हुआ है. आई होप दैट वॉज ओके. अब जब हम इसको एनालाइज करेंगे, यू रिमेंबर ध्यान आया तो एनालाइज करने में, सोचो अगली वाली स्लाइड पर आने से पहले एनालाइज करने में एक बात तो इसी पर जाएगी, रीजनेबल अश्योरेंस. फिर उसके बाद मटेरियल मिस स्टेटमेंट किस तरह के हो सकते हैं और उसको क्या एक्सप्रेस करनी है? ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है. और उसको कहाँ पर? उसको रिपोर्ट के अंदर व्यक्त करना है. तो जब हम लोग एनालिसिस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट का, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस आता है कि ऑडिटर कैसे अश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं रीजनेबल, जो एब्सोल्यूट नहीं है, वो कोई गारंटी नहीं दे रहा है, वो 100% तसल्ली ऑब्टेन नहीं कर सकता है. रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, इट इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट गारंटी. राइट, प्लस मिस स्टेटमेंट क्यों हो सकते हैं? सो मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से भी हो सकता है, जो इंटेंशनल होते हैं, मैनेजमेंट जानबूझ करके कर सकता है, और ये एरर्स की वजह से भी हो सकते हैं, अनइंटेंशनल, ये दोनों वजहों से भी हो सकते हैं. प्लस उसके बाद में नेक्स्ट कीवर्ड क्या था? क्योंकि आप ओपिनियन एक्सप्रेस करो, ओपिनियन किस बात पे व्यक्त कर रहे हो? कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के अनुसार बनाए हैं? अगर एफआरएफ के अकॉर्डिंगली बनाए हैं तो आप कहते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं, और अगर नहीं बनाए हैं तो ठीक है, फिर तो वो ट्रू एंड फेयर नहीं है. प्लस इसके साथ आप ओपिनियन को रिपोर्ट में लिखते हो, रिटन ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हो और कम्युनिकेट करते हो, बताते हो, जैसा कि एसेज ने बोला है. सो प्लीज टेल मी वन थिंग, आई होप दिस मच इज क्वाइट ओके, कि आपने एनालिसिस भी कर लिया. अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स वाले कीवर्ड ध्यान है तो ये एनालिसिस बहुत आराम से आपका हो गया. फिर उसके बाद आपने कहा स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या आता है और फिर क्या नहीं आता. तो क्या आता है? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, पर कौन से वाले? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित हैं. तो आपको वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को चेक करना है, जो रेलेवेंट किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली योर ओपिनियन इज ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फिर आपको चेक करना है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो जिस बेसिस पे लिखी गई है, जो अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, वो रिलायबल एंड सफिशियंट है या नहीं है. तो इसके लिए आप, आज हमको यही चीज पढ़नी है, अकाउंटिंग सिस्टम और उनका इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करते हो, उसको देखते हो, उसको स्टडी करते हो. कैसे करते हो ये चीज हम आज समझेंगे. फिर आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर देखना है. वैसे तो ये जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसका डिस्क्लोजर करना, इवन अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करना, कुछ जजमेंट्स लगाना, एस्टिमेट्स बनाना, ये सब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पर आपको इवैल्यूएट करना है, आपको ये बात को चेक करना है, ये बात को एग्जामिन करना है
कि क्या उन्होंने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट ही किया है, यानी जो FRF के अनुसार है, AS एप्लीकेबल है तो AS के अनुसार, IND AS एप्लीकेबल है तो IND AS के अनुसार, और उसका कंसिस्टेंट एप्लीकेशन, कहीं पॉलिसी में कोई चेंज तो नहीं आया, और अगर चेंज आया है तो उसका डिस्क्लोजर उन्होंने प्रॉपरली किया है या नहीं किया है। और जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन की होती है, फ्यूचरिस्टिक हिस्टोरिकल बीते जमाने की। सो स्कोप में क्या क्या आ गया, आपने इसका इंग्लिश बना लिया था कि डिस्क्लोजर्स जो है वो ऑल रिलायबल है या नहीं, रेलिवेंट है या नहीं, राइट। और अब उसके बाद आपने कहा था स्कोप में क्या नहीं आता है, नहीं आता है, तो एक तो जो भी पर्टिकुलर ऑडिटर है वो अपने डोमेन के बाहर की ड्यूटीज नहीं करता है, जैसे बिल्डिंग का कोई स्ट्रक्चर देखना है, लाइफ ऑफ असेट देखनी है, ये चीजें उसके डोमेन के बाहर है। वो कोई ऑथेंटिकेशन नहीं करता है, ऑथेंटिकेशन वो कोई ये नहीं देख रहा है कि जो दस्तावेज सामने रखे गए हैं वो बिल्कुल पक्का सच्चे से हैं या नहीं है, वो कोई एक्सपर्ट ऑथेंटिकेशन में नहीं है, उसके सामने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आ सकते हैं एज सच, और ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। तो आपने दो इंग्लिश के सेंटेंस बनाए थे, क्या क्या चीज स्कोप में है और क्या चीज नहीं है, ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। इन्वेस्टिगेशन किस चीज में होता था, ध्यान करके बताओ, तो इन्वेस्टिगेशन था अगर कोई एलिगेशन लगी है कि कुछ गलत हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल कंपनी वाले बोल रहे हैं जी हमारे यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, तो आप आकर के उसका गहराई से जांच पड़ताल कर दो, आप उसको अच्छे से क्रिटिकली एग्जामिन कर दीजिए, क्रिटिकली चेक कर दीजिए कहाँ फ्रॉड हुआ है, तब तो इन्वेस्टिगेशन आएगा। बट ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ऑडिटर जो है ऑडिटर कोई सर्च नहीं कर सकता, वो किसी को यू नो एग्जामिन ऑन ओथ नहीं कर सकता है। ऑडिट इज डिफरेंट, ऑडिट के अंदर हम रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं जो हाई लेवल है बट नॉट एब्सोल्यूट, और वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर हम अपनी राय व्यक्त करते हैं। सो ऑडिट इज एक्चुअली जनरल टाइप्स का, जबकि इन्वेस्टिगेशन क्या है, स्पेसिफिकली मेनली जैसे फ्रॉड्स वगैरह को ढूंढने के लिए होता है। आप बताओ इतनी बात जो आपने देखो लास्ट क्लास में कितने अच्छे से समझ करके चले थे और क्वेश्चन आंसर्स करे थे, अब तो आप कर पा रहे हो ना केवल, राइट। चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, आज मेरे को जो स्टार्ट करना है, मेरे को स्टार्ट करना है ये इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट से, एंड प्लीज माइंड इट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है RTPs के अंदर, आपके स्टडी मटेरियल के अंदर, आपके MTPs के अंदर, ये सब बहुत ज्यादा आता है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट दिस और दैट। बट व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि इसको स्टार्ट करने से पहले, मतलब हमें टॉपिक तो यही करना है 1.11, 1.2, 1.3 देख लेंगे जितने होंगे आज, प्लस नेक्स्ट क्लास में तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा ये वाला आपका, ठीक है। सो बेसिकली एंड देन उसके बाद टेस्ट आपका होगा फर्स्ट चैप्टर का। बट द थिंग इज कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम पहले इसके कुछ टॉपिक्स को समझने जा रहे हैं। देखो अभी हमारे पास अब जैसे जैसे टर्म्स आने लग जाएंगी हम उन टर्म्स को समझना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब आप बताइए, राइट। देखो इसी तरह से करना आपको पूरे के पूरे बैच में, क्लास में भी, कि जब तुमको रिवीजन कराया जा रहा है तो सोचो, रिकॉल करो कि हाँ हमारे दिमाग में वो कीवर्ड्स आ रहे हैं या नहीं, जरूर आएंगे, आराम आराम से चीजें पढ़ेंगे, आप मिक्सिंग कभी नहीं करोगे, फिर बाद में भी आप मिक्सिंग नहीं करोगे, तो ठीक है आपके दिमाग में वो कीवर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट इज द बेस्ट टेक्निक कि आप किसी भी तरह से, किस तरह से आप एग्जाम तक उन चीजों के अंदर अपने दिमाग में बैठा सकते हो, जब हम ऐसे बार 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 रिविजन करते चले जाएंगे, ठीक है। चलो देखो एक टर्म आती है हमारे यहाँ पर, दोस चार्ज विद गवर्नेंस। अब आज के कुछ चीजों को समझना शुरू करते हैं, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट हैं आज के, ठीक है, फिर उसके बाद टॉपिक पर चलेंगे। देखो बच्चे जब हम दोस चार्ज विद गवर्नेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम आज के बाद शॉर्ट में बोलेंगे TCWG, राइट। देखो अब तक हमने बोला था वर्ड मैनेजमेंट, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, जो क्लाइंट एंटिटी का मैनेजमेंट है, जो सिलेक्शन और ये सब चीजें कर रहा है वगैरह वगैरह। अब होता क्या है, मैनेजमेंट के बिना बच्चे दो पार्ट हो गए। देखो यहीं से डेफिनेशन को थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करो, हम कोई टिपिकल डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत आसानी से डेफिनेशन ड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, डराइव कर रहे हैं। देखो दोस्त का मतलब तो हो गया वो पर्संस, वो लोग, वो पर्संस। चार्ज का मतलब जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो ड्यूटी बाउंड है, कोई भी टर्मिनोलॉजी आ सकती है। सो ऐसे पर्संस जो रिस्पॉन्सिबल है, देखो विद का मतलब तो फॉर हो जाता है, ठीक है, ये तो सिंपल अंग्रेजी की बात है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज की जिम्मेवारी है उनके पास, गवर्न करने की एंटिटी को।
तो एंटिटी को गवर्न करने का क्या मतलब होता है? देखो, गवर्न करना, गवर्नेंस वाले लोग जो होते हैं, जो गवर्न करते हैं, जो कंपनी या एंटिटी जो भी है उसके डायरेक्शन, वो एंटिटी कहाँ जा रही है और उसके ऊपर कंट्रोल, उसकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, उसकी मेन स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, इसकी बात करते हैं। अब एक बात समझो, जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हो कि रिलायंस की एक एंटिटी है, तो रिलायंस की उस पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर अगर मान लो कोई बहुत बड़ा कुछ मर्जर हो रहा है, ध्यान से समझना बच्चे, तो आप क्या बोलोगे कि वो मर्जर का डिसीजन रिलायंस के जनरल मैनेजमेंट ने लिया होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने लिया होगा, या रिलायंस में अगर उनके डायरेक्टर्स के अंदर से फॉर एग्जाम्पल अनंत अंबानी जी और आकाश अंबानी जी हैं, तो उन्होंने वो डिसीजन लिया होगा, हाँ हाँ चलो मर्जर करते हैं, या ईशा अंबानी जी हैं तो उन्होंने ये डिसीजन, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन हमको किस तरह से अपनी कंपनी को चलाना है, ओवरऑल कंपनी के कंट्रोल रिलेटेड चीजें, ये डिसीजंस कौन लेते होंगे बच्चे? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये डिसीजन लेता होगा। सो जब हमने कहा दोज चार्ज विद गवर्नेंस, अगर आपको लिखना है, अभी मैं रिपीट कर रही हूं, अभी अभी इसको लिख लीजिए, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, शॉर्ट में बोलेंगे TCWG, ठीक है? ये एक ऐसी शॉर्ट टर्म है जो चला करती है आपके एग्जाम में भी, ठीक है? आई विल टेल यू, जैसे होता क्या है, हमें ये ना एग्जाम के अंदर पेपर में कई बार लिखनी पड़ती है TCWG, अब आगे चलकर सब स्टैंडर्ड्स जैसे हम शुरू कर रहे हैं तो वैसे वैसे आने लग जाएगा, तो हमें कई बार TCWG लिखना पड़ता है। तो मैं क्या बोलती हूँ कि अगर जैसे टाइम कम या कुछ है, तो पहली बार तो पेपर के अंदर पूरा लिख दो दोज चार्ज विद गवर्नेंस और ब्रैकेट में लिख दो TCWG, उसके आगे अगर उस सवाल में आपको कहीं पे दोज चार्ज विद गवर्नेंस लिखना है तो बाद में बस TCWG लिख दीजिए। सो पेपर में जैसे एक क्वेश्चन में एक बार आप दोज चार्ज विद गवर्नेंस पूरा जरूर से लिखते हैं जब हमें लिखना पड़ता है, राइट? सो दिस इज वन पर्टिकुलर एब्रीविएशन जो आपकी एग्जाम में चल सकती है आराम से। सो नाउ द थिंग इज दोज पर्संस, चार्ज का मतलब हु आर रिस्पॉन्सिबल, विद का मतलब फॉर, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नेंस के लिए। गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। अब अपने आप सोच करके बताओ, इसका मतलब ये जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, सोचो सोचो, ये टॉप लेवल के पर्सन हो गए जो एंटिटी को डायरेक्ट कैसे करना है, मर्जर्स एक्विजिशन कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है, कैसे कंट्रोल करना है, ये टॉप लेवल के पर्सन होंगे या मिडिल के? सोच कर बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक सोचो, देखो जो चीज लॉजिकली सोच रहे हो बिल्कुल ठीक। मैम जो लोग अल्टीमेटली डायरेक्शन और कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग तो पक्का से टॉप लेवल ही होंगे, रटना मत। सो ये कौन है, ये कौन है जो डायरेक्शन एंड कंट्रोल के लिए, जो गवर्न करने के लिए, अगर कल को किसी भी तरह की कोई गड़बड़ पकड़ी जाती है तो सीधी बात कहाँ पे आएगी, ओ इनके जो डायरेक्टर्स है ना उन्होंने गड़बड़ किया हुआ आएगा, राइट? सो बेसिकली दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है ये वो मैनेजमेंट है पर्टिकुलरली। सो TCWG बच्चे हम लोग किसको बोलते हैं, हम TCWG बोलते हैं बेटा हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, नॉट मिडिल नॉट लोअर। एक्चुअली मिडिल लेवल मैनेजमेंट तो होता है जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखता है, वो कंपनी की पॉलिसीज नहीं बना रहा है, मेजर पॉलिसीज नहीं बना रहा है, कंपनी की स्ट्रेटेजीज को डिसाइड नहीं कर रहा है, कब कहाँ पे कौन सा नया प्रोडक्ट लेके आना है, एक्सपोर्ट करना है नहीं करना है, ऐसी चीजें नहीं सोच रहा है मिडिल लेवल का मैनेजमेंट। ऐसी चीजें कौन सोच रहे हैं, कौन ये डायरेक्ट कर रहे हैं, कौन ये लॉन्ग टर्म अपनी स्ट्रेटजीज, लॉन्ग टर्म विजन बना रहे हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो दैट हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज TCWG, ठीक है? अब मैं तुमसे एक आध सवाल पूछती हूँ, देखते तुम लोग बता पाते हो या नहीं। हम ऑडिटर हैं, ऑडिटर गए एक टी लिमिटेड को ऑडिट करने के लिए, टी लिमिटेड है टायर वाला लिमिटेड, ठीक है? या एक पर्टिकुलर गए ये बिल्डर्स, बिल्डर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर यू नो एक फ्लैट्स वगैरह बना रहे हैं उसका ऑडिट करने के लिए, से फॉर एग्जांपल मान लो ये DLF का ऑडिट करने के लिए गए। अब एक बात बताओ, जो बड़ी बड़ी चीजें होंगी, मैम बड़ी बड़ी बातों का मतलब क्या हो क्या, कि भाई से फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कंपनी का कोई मर्जर करने का सोच रहे हो, कुछ क्या कंपनी आपकी चलती रहेगी या नहीं, एंटिटी चलती रहेगी या नहीं, आप अपनी एंटिटी को बंद करने का तो नहीं सोच रहे हो, आप कोई एक मेजर मार्केट के अंदर एंटर करने का तो नहीं सोच रहे हो, ऐसा डिस्कशन अगर ऑडिटर को करना होगा तो क्या ऑडिटर ये चीज है, हाँ भाई आपकी इंटेंशन तो नहीं है कंपनी को बंद करने की, ये डिस्कशन ऑडिटर किससे करेगा? मिडिल लेवल वालों से करेगा।
ये डिस्कशन किन से करेंगे, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। सो जितनी सिग्निफिकेंट बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बातें ऐसी जहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं जैसे गोइंग कंसर्न से रिलेटेड आ जाती हैं। अरे चिंता मत करो, पूरा इससे 570 है गोइंग कंसर्न के ऊपर, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। वो अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें तैयार होने लग जाएंगी। आप बस एक बेसिक बात मुझे बताओ, बड़े बड़े डिस्कशंस, तुम गोइंग कंसर्न हो या नहीं हो, तुम्हारी कोई इंटेंशन तो नहीं है एंटिटी को बंद करने की, अगर इस तरह की बात ऑडिटर करना चाहेगा तो वो मिडिल लेवल वालों से पूछेगा। मिडिल लेवल वाले कहेंगे जी मणे के बेरा, मुझे क्या पता, मुझे तो नहीं पता है ये वाली बात, ठीक है। ये बात तो किसको पता है, ये बात तो हाईएस्ट लेवल को पता है। उन लोग जैसा बोलेंगे हम वैसे जो है उस तरह से चल लेंगे। हम तो उनके बताए हुए स्ट्रेटजीज, उनकी बताई हुई प्लान्स एंड पॉलिसीज, जो हाईएस्ट लेवल वाले हैं उनकी प्लान्स एंड पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो अब आपने कॉन्सेप्ट डराइव किया, मतलब क्या कॉन्सेप्ट आपने डराइव किया, जब ऑडिटर को खास खास बातें पूछनी होती हैं कि एंटिटी चलेगी नहीं चलेगी, क्या मेजर कुछ और चीज़ें धीरे धीरे हमारे पास आने लग जाएंगी, तो वो खास बातें किससे पूछते होंगे, हाईएस्ट लेवल से। तो ये कौन सा लेवल है बेटा, ये एक्चुअली टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटे, ऑडिट के अंदर हम इसको TCWG बोलते हैं, दोस चार्ज विद गवर्नेंस। तो एक्चुअली आप क्लाइंट एंटिटी में दोनों से बात करते हो, TCWG से बड़ी बड़ी खास खास बातें और मैनेजमेंट से उनके लेवल की बातें। अब वो कैसी कैसी हैं ये हम आगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर पढ़ेंगे। अभी बस हमने एक अपना ब्रॉड आइडिया अपना पक्का कर लिया, बेसिक्स पक्के कर लिए। सो प्लीज बताइए, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन है, टॉप लेवल या मिडिल लेवल? मैम टॉप लेवल, जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस कैसे एंटिटी को कंट्रोल करना है, क्या मेजर पॉलिसीज एंड विजन वगैरह होना है, ये चीजें बताते हैं। सो ऑडिटर खास खास बातें किससे डिस्कस करेगा, बहुत सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जाम्पल गोइंग कंसर्न के ऊपर किसी तरह का कोई इश्यू आ रहा है या लग रहा है अरे ये लोग तो अपनी मेजर फैक्ट्रीज को बंद करने वाले हैं, तो वो चीजें ऑडिटर किससे पूछेगा? मिडिल वालों को तो ये डिसीजन लेने का हक ही नहीं है ना, ये चीजें TCWG से पूछेगा। तो अब हमारे पास TCWG टर्म आने लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ट्रस्ट है, हम एक ट्रस्ट को ऑडिट करने के लिए गए, तो ट्रस्ट में कौन होंगे? ट्रस्टीज, है ना, मेजर डिसीजन ट्रस्टीज लेंगे। कंपनी के अंदर कौन होंगे? डायरेक्टर्स। एक बेटा कंपनीज एक्ट में कॉन्सेप्ट आता है ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, पढ़ाओ तो भी ठीक है, नहीं पढ़ाओ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरी बात सुनो। ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट आता है अंडर सेक्शन 177, ये कंपनीज एक्ट में आता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो कुछ ऐसे डायरेक्टर्स की एक ऑडिट कमेटी बना देती हैं जो डायरेक्टर्स को फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मामलों में नॉलेज होती है, राइट। ये भी हमारे पास एक एसे के अंदर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आएगा, फिर भी मैं आपको बताते हूँ। जैसे सी फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, मान लो बेटा कंपनी है, से फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं उसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, कंपनी है ABC लिमिटेड, ABCDEF, ठीक है, एक जी, ये इतने सारे डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी के अंदर एंड दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, से फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं। अब ये जो है ये आर्किटेक्ट हैं, ठीक है, बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं। बी जो हैं ये BCom पास हैं, CCA हैं, डी डॉक्टर हैं, ई इंजीनियर हैं, एफ से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये BSc फेल हैं, मतलब मैंने ऐसे ही बोल दिया, अच्छा चलो MSc फेल कर लो, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट MSc ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, ये ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट इन बिजनेस फॉर एग्जाम्पल। तो ये इनकी क्या हो गए, इनकी क्वालिफिकेशंस हो गए। अभी मैं आपको कोई प्रॉपर कंपनीज एक्ट का सेक्शन नहीं बढ़ा रहे हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक आइडिया। अब ये सब कौन है, ये सब लोग बेटा एक पर्टिकुलर जो कंपनी है उस कंपनी के डायरेक्टर्स है, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उनके अलग 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 क्या है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस है। अब मान लो बच्चे जब ऑडिटर जाता है, सोचना जब ऑडिटर गया तो ऑडिटर ने इनके एक डायरेक्टर डी से बोला, डी जो बहुत पढ़े लिखे हैं, MBBS और MD हैं, जो एक डॉक्टर है, राइट, ऐसा हो सकता है,
ठीक है, जो डी एक डॉक्टर है उनसे पूछा कि क्या कंपनी गोइंग कंसर्न है, क्या आपको लगता है कंपनी फोरसीएबल फ्यूचर टाइम में चलेगी, आप हमें बताइए, हमें ना कुछ डाउट सा हो रहा है। अब डॉक्टर भैया को तो पता नहीं है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, उन्होंने तो अकाउंट्स पढ़ा नहीं है। वो कहेंगे गोइंग कंसर्न हाँ चलेगी बिल्कुल, तब मतलब यू नो वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेंगे, ही इज नॉट एबल टू इंटरप्रेट कि ऑडिटर क्या कहना चाह रहे हैं और ऑडिटर को सपोर्ट करने के लिए। बट आपको बात समझ आ गई होगी, इसी प्रकार से जो इंजीनियर भैया है, जो इंजीनियर वाले यू नो डायरेक्टर है, शायद ये भी नहीं कर पाएंगे। तो इस इन सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, इन्होंने ऐसे पर्संस अपने में से छांट कर अपना एक सब ग्रुप बनाया, समझना, अपना एक सब ग्रुप बनाया। से फॉर एग्जाम्पल, ये जो मिस्टर बी है जो बी कॉम पास है, राइट, मिस्टर बी जो बी कॉम पास है, मिस्टर सी जो सी ए है, और मिस्टर जी जो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट बिजनेस में है, मतलब उन्होंने बी बी ए किया हुआ है, इन्होंने सबको अकाउंटिंग और फाइनेंस की नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल करके चला, तो इन्होंने इन सब डायरेक्टर्स का एक सब ग्रुप बनाया। कॉन्सेप्ट समझ में आता है, इस सब ग्रुप का नाम है ऑडिट कमेटी, ध्यान देना, इस सब ग्रुप का नाम है ऑडिट कमेटी। हम कोई लॉ के इनडेप्थ सेक्शन में इतने मेंबर्स होंगे, इतने लोगों को एक्सपर्टीज होना चाहिए, इतना कोरम होगा, उन सब चीजों में नहीं जा रहा। दिस इज एक्चुअल कॉन्सेप्ट। तो अगर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन कंपनीज के अंदर देर आर मेनी डायरेक्टर्स, उन डायरेक्टर्स में से ऐसे डायरेक्टर्स जिनको अकाउंटिंग और फाइनेंस मामलों में नॉलेज होती है, उनकी एक कमिटी बना देते हैं ये लोग। उस कमेटी का नाम है ऑडिट कमेटी। तो अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिटर इस तरह की तमाम बातें डिस्कस किससे करेगा, इस तरह की तमाम बातें बजाय सारे डायरेक्टर्स से डिस्कस करने के। सारे डायरेक्टर्स तो ऑडिटर की बात को समझ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज नॉट एवरीवन इज इन अ पोजीशन कि ऑडिटर उनको क्या बोलना चाह रहा है, राइट। तो बेसिकली अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर इस तरह के डिस्कशंस ऑडिट कमेटी से करेगा। So, उस केस में TCWG कौन हो जाएगा बेटा, ऑडिट कमेटी हो जाएगी। सो बेसिकली TCWG दोस चार्ज विद गवर्नेंस, कंपनी में या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, या अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने में से एक सब ग्रुप बनाया हुआ है जस्ट लाइक ऑडिट कमेटी। सब ग्रुप तो समझ में आया ना, तो वो लोग हो गए, पर है तो अल्टीमेटली ये लोग टॉप लेवल के पर्सन ही ना। अगर आप किसी पार्टनरशिप फॉर्म को ऑडिट करने के लिए जाते हो तो अल्टीमेटली उस पार्टनरशिप फर्म का स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कौन करता है, पार्टनर्स। तो आपके लिए TCWG कौन हो गया, आप खास खास बातें, राइट, इस तरह की चीजें किससे डिस्कस कीजिएगा, आप ये खास खास बातें पार्टनर से डिस्कस कीजिएगा। अब मैं आपको एक आध छोटी मोटी बात और बताते हो भाई, देखो एक बात सुनो, कुछ एक बहुत बड़ा लोन लेना है, मैं क्लाइंट को ऑडिट करने के लिए गई, क्लाइंट है मान लो DLF। अब DLF कहता है जी मेरे को तो ना एक लोन उठाना है, SBI के पास में मैंने 500 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसके विषय में कुछ पूछताछ करनी है। तो शायद मिडिल लेवल वाला नहीं, ये इतनी बड़ी बात या कुछ इतना बड़ा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग या इस तरह की बात, शायद आप हाईएस्ट लेवल वालों से पूछना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट करना पड़ता है कि कौन सी बातें मैं किस तरह के लोगों से बात करूं। अच्छा बताओ, गोइंग कंसर्न हो तुम चलोगे या तुम्हारा जो इरादा है वो एंटिटी को नियर फ्यूचर में बंद करने का है, ये भी तो वो हाईएस्ट लेवल से ही बात करेगा ना, राइट। सो अब तक की बात का सम टोटल, जब हमारे पास में टर्म आएगी TCWG, सो हु इज TCWG, TCWG इज हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वो पर्सन जो एंटिटी जो मेरा क्लाइंट है उस क्लाइंट के स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो हम खास खास बातें किससे डिस्कस करेंगे, TCWG से, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करके चलेंगे। हाँ, अगर उनका कोई सब ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल जब क्लाइंट एक कंपनी होती है तो उसका एक सब ग्रुप होता है, तो हम ये बातें उस सब ग्रुप से करके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑडिट कमेटी से। कुछ कुछ बात समझ आई। अब देखो, जैसे जैसे हमारे पास में आता जाएगा ये टर्मिनोलॉजी, हम उस टर्मिनोलॉजी को करते चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। चलो अब बच्चे, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट कराने जा रही हूँ,
एक काम करते हैं, पहले ना कॉन्सेप्ट बहुत आराम से करते हैं, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम एक एंटिटी के लेवल पे लेके जाएंगे। पहले हम अपने आसपास में जिस भी तरह की चीजें देखते हैं उस पे लेके जाते हैं। मान के चलते हैं एक पर्सन के दो बेटे हैं, एक है पी एक है क्यू। नाउ दिस इज माय नेक्स्ट पार्ट। हम कह रहे थे ना लास्ट क्लास से कि अब हम इंटरनल कंट्रोल्स, उसकी कुछ टेक्निकल बातें सीखना शुरू करेंगे। एंड डोंट वरी, ये बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। पापा के दो बेटे हैं, एक है पी एक है क्यू, ये दोनों ट्विंस हैं। पर आपने कभी कभी ऐसा सुना होगा ना कि अक्सर बच्चों की फितरत बचपन से थोड़ी अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बहुत जागरूक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ओहो क्या हो जाएगा, 10th में नहीं आएंगे 90%, तो भी क्या हो जाना है, इट्स ओके, टेक अ चिल पिल, बस पास हो जाऊं, दैट्स इट। तो ये जो पी हैं ये इसी प्रकार के हैं, थोड़ा ध्यान लगा के समझना, ठीक है। एक तो ना इनका दिमाग बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं है, सारा टाइम वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ये और वो। दोनों बच्चे 10th क्लास के एग्जाम देने जा रहे हैं मान के चलते हैं। एंड अगर ये एग्जाम्पल समझ आया आपको, बहुत बारीक बारीक स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग के कॉन्सेप्ट का बेसिक समझ आ जाएगा, पक्का, ये गारंटी है। देखो ये जो पी है, पी नाम का जो स्टूडेंट है, मतलब ये जो एक बेटा है, ये ना बिल्कुल भी एक तो ना पढ़ाई ठीक से नहीं करता है, ये स्टडीज को लेकर के और बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। सारा टाइम अपने जो है फ्रेंड्स के साथ में पार्टीज करता रहता है। जबकि ये जो क्यू है ये अपनी स्टडीज को लेके बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ये कहता है हाँ ठीक है, बोर्ड के मार्क्स हैं, बोर्ड के एग्जाम्स हैं इस साल मेरे, तो मैं बहुत अच्छे से स्टडीज करूंगा। ये क्यों क्या करता है, क्यों ना अलार्म लगाता है रोजाना। और ऐसा नहीं है कि अगर ये अलार्म लगाता है सवेरे 5 बजे का तो ये उस अलार्म को बंद करके फिर से सो जाता है, नो ये ऐसा नहीं करता है। ये ना अपना टाइम टेबल बनाता है, ध्यान से सुनना, टाइम टेबल बनाता है, ये अपनी डेली के टारगेट्स बनाता है कि मेरे को क्या टारगेट्स अचीव करने हैं। अगर ये टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है तो अपने प्लान्स को एडजस्ट करता है कि भैया ठीक है, मैंने इतने दिन पढ़ने का सोचा था या इतनी देर पढ़ने का सोचा था, नहीं कर पाया तो आगे के लिए पढ़ाई बढ़ा दूंगा। ध्यान से समझना। हाँ प्लस इसके साथ साथ में इसने जब तक इसके अभी 10th में है, पहले से नहीं, मतलब अभी 6 महीने बचे हैं मान लो इसके एग्जाम्स को, तो इसने क्या किया, इसने ना अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स है ना उनको बंद कर दिया या डीएक्टिवेट कर दिया या थोड़े टाइम के लिए उनको हटा दिया। वो जो भी होता है आपके इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम वगैरह, राइट। अब आप एक बात बताओ, ये बच्चा तो बहुत अच्छे से अपने ऊपर कंट्रोल लगा के चल रहा है। आप सोचो इतना कंट्रोल कोई लगा सकता है अपने ऊपर कि हाँ ठीक है 5 बजे का अलार्म बोला, हम 5 बजे उठ भी जाएंगे, पढ़ाई भी करना शुरू कर देंगे, जिस भी सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम आ रही है तो अपने पेरेंट्स को बोल रहा है कि प्लीज आप समझा दो मुझे, आई नीड सम हेल्प इन दिस, ठीक है। और अपने फ्रेंड से भी बात करना इसने बिल्कुल लिमिट में कर दिया है। व्हाट्सएप है इसके पास, पर आजकल होता है ना फोन के अंदर वो एप्स डाउनलोड कर लेते हैं कि अगर 30 मिनट से ज्यादा तो आप 30 मिनट से ज्यादा इसको यूज नहीं करेंगे, तो ये ना टाइम अपना ब्लॉक कर देता है कि भाई मैं 30 मिनट से ज्यादा अपना फोन नहीं देखूंगा, ऐसा बोल के पूरे दिन भर में बाकी टाइम में पढ़ाई करूंगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हे भगवान मैम ना कैसी बात कर रहे हैं, 10th क्लास में कौन इतना करता है। नहीं देखो करते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। ये जो पी है ये तो कहता है स्टडीज मुझे करनी क्यों है, कितने भी नंबर आएंगे ठीक है, या तो ये अलार्म लगाता ही नहीं है, या अगर कभी अलार्म लगा भी देता है तो अलार्म के हिसाब से चलता नहीं है, राइट। यानी इसने जो अपने ऊपर एक कंट्रोल लगाया उस कंट्रोल को ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है। अलार्म लगा दिया, 5 बजे अलार्म बोला, उसके बाद बंद किया और फिर से सो जाता है, यानी ये ठीक से नहीं, या तो टाइम टेबल बनाता ही नहीं है, डिजाइन ही नहीं करता है, या अगर डिजाइन कर भी लेता है तो ना फॉलो नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता, तो एडजस्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं आया। प्लस इसके साथ कहते हैं हाँ ऐसे कैसे मैं इंस्टाग्राम को लॉग आउट कर दूं, ना 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 ऐसे कैसे काम चलेगा, मैं डीएक्टिवेट कर दूं ऐसे, तो मतलब भाई मैं तो सारी मेन मेन चीजें मेन मेन अपडेट्स को देख ही नहीं पाऊंगा। तो ये कुछ नहीं करता, इसका ना सोशल मीडिया और ये जितने अकाउंट्स हैं ये सारे के सारे चलते रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्टीज भी करने जाता है, कोई अपने ऊपर कंट्रोल नहीं लगा के चलता। अब एक काम करना,
और जरा ना सीधा सीधा मुझे जवाब देना, मुझे ये बताओ किसके फेल होने का खतरा ज्यादा है। अभी ना मैम ने एक बात पूछी, किसके फेल होने का खतरा ज्यादा है, रिस्क ऑफ फेलियर, ऑफ फेलियर मैंने लिख रहे हो, और सीधा सीधा जवाब देना, खबरदार अगर तुमने इधर उधर कुछ और उल्टा जवाब दिया। सोचो किसके फेल होने का खतरा ज्यादा है। मैम खतरा तो ना ये भी कोई पूछने की बात है, पी के फेल होने का खतरा ज्यादा है ना, समझ में आया। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल्स ही नहीं लगा रहा अपने ऊपर, ठीक तरह से चल ही नहीं रहा, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको मीट आउट करने के लिए सोच ही नहीं रहा ये बंदा, राइट। चलो आराम से समझते हैं। और बेटा किसके फेल होने का खतरा कम है, देखो क्यों तो इतने ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो, उसको तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अलार्म भी लगा रहे हैं, एडजस्ट भी कर रहे हैं, लोगों से हेल्प भी ले रहे हैं, अपने सीनियर से भी पूछ रहा है एवरीथिंग, तो इसके लेवल पे फेल होने का खतरा कैसा हो गया बेटा जी, बस ये बता दो इसके लेवल पे फेल होने का खतरा कम हो गया। सबको समझ आया इतना? चलो अब मैं तुमसे पूछती हूँ एक क्वेश्चन, तो एक बात बताओ किसको फादर ज्यादा रिस्पॉन्सेस देंगे, ज्यादा मैं ना हिंदी में लिख रही हूं ध्यान देंगे, किसके फेल होने का खतरा ज्यादा है, तो कहां पापा को ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, बार बार जाके पूछना पड़ेगा, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अरे रिवाइज करा या नहीं करा, अरे उठा कि नहीं उठा, अरे भाई सो क्यों रहे हो, राइट, अरे प्लीज पढ़ ले, किसको बार बार जाके टोका टाकी करनी पड़ेगी, बार बार जाकर के पापा को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब कोई कोई बच्चे कह रहा है हमें तो कोई कुछ बोलता नहीं है, ठीक है तुम लोग तो होशियार हो ना एक्चुअली, इसलिए कोई नहीं बोलता, तुम लोग तो बिल्कुल वो क्यों जैसे हो, इस कारण से कोई नहीं बोलता है, हाँ बड़े संत आत्मा हो। चलो तो पक्का जिसकी फेल होने का खतरा ज्यादा है, खतरा ज्यादा है, वहां पर पापा को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे कई बार ना ये वाला काम मम्मा लोग ज्यादा करते हैं, ध्यान दे रखते काम, पढ़ लो नहीं तो क्या होगा, अभी पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे से लाइफ बन जाएगी। वैसे वो बिल्कुल सच कहते हैं, अपने पेरेंट्स की हर बात माननी चाहिए, ठीक है। चलो और बच्चे ये क्यों तो इतने ध्यान से पढ़ाई कर रहा है, पापा कभी पूछते भी है, मतलब पापा को बोलना पड़ता है बेटा आज तो मतलब यू नो सो जाओ आराम से, थोड़ा तो रेस्ट ले लो, तो यहाँ पे पापा को ध्यान देने की जरूरत नीड कम है, बस ये कॉन्सेप्ट मुझे बता दो, अगर तुम्हें समझ आ गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पक्की बात समझ में आई, ठीक है। अब एक बात सुनो, था क्या ये जो पी है, ये जो पी नाम का पर्सन है, इसके ना कंट्रोल्स अच्छे नहीं थे, या तो इसने कंट्रोल बनाए नहीं थे, अपने ऊपर कंट्रोल लगाए नहीं थे, राइट, या फिर अगर कंट्रोल लगाए थे तो वो कंट्रोल्स को चलाया नहीं था, और एग्जाम होने तक तो बिल्कुल नहीं चलाया था, ठीक है, कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए, कुछ नहीं करा था इसने, तो इसके फेल होने का खतरा ज्यादा हो गया था कि अपने ऑब्जेक्टिव को मीट आउट नहीं कर पाएगा। आप ना कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो बहुत बढ़िया वाला, ठीक है, इसके लेवल पे रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, जबकि क्यू जो है, क्यू के कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, उसके वो अपने पर कंट्रोल्स लगा रहा है, एग्जाम होने तक प्रॉपरली ध्यान से पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लेवल पे गड़बड़ होने का खतरा कम है, और इसीलिए पापा को चेकिंग कम करनी पड़ेगी, चेकिंग कम करनी पड़ेगी, चेकिंग उतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बार बार जाकर के उसको बोलना नहीं पड़ेगा अरे पढ़ ले, अरे पढ़ ले, वो तो अगर 5:30 बजे जाएंगे तो वैसे ही अपने आप पढ़ने बैठ जाता है। अब आप सिर्फ इतनी कहानी बताओ, इतनी बात समझ में आई। चलो अब ना हम कुछ कर रहे हैं चेंजेस, मैम क्या चेंज कर रहे हैं बता दो। देखो यहां पे है ऑडिटर, और ये जो पी है और ये जो क्यू है ये है क्लाइंट, ध्यान देना ये कौन है भाई, ये है क्लाइंट, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट करके चलते हैं। ये जो दो पर्टिकुलर क्लाइंट है, दोनों क्लाइंट्स पी भी और क्यू भी, दोनों क्लाइंट सिमिलर टाइप की इंडस्ट्री में है, यानी मैं बोलूंगी अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, राइट। ये जो पी है इसके यहां पर इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स मैं एक टर्म मैं लेकर के आई, मैंने क्या कहा, इसके यहां पर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं है। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, पहली बात देखो इन लोगों को अपने यहां पर कैश ज्वाइंट कस्टडी में रखना चाहिए, जस्ट डोंट वरी, जस्ट बताओ आप मुझे,
हाँ मैम रखना चाहिए, नहीं रखते हैं। चलो मैं ऐसे करके आपको बताती हूँ, जैसे इंटरनल कंट्रोल्स। चलो जी एक बात बताओ, किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर अगर कुछ सेल्स पे डिस्काउंट दिया जाता है या कुछ ऐसी चीज होती है, सो दैट शुड बी ऑथराइज्ड फ्रॉम सम ऑथराइज्ड पर्सन, जो हाई लेवल का पर्सन होगा। सोचो सोचो सोचो। हाँ मैम ऐसा तो होना चाहिए। अरे बेटा अगर आप मान लो स्कूल में भी जाते थे, अगर मान लो स्कूल में भी आप से फॉर एग्जाम्पल मान करके चलो, इवन अगर आप लाइब्रेरी से भी कोई बुक इश्यू कराते थे तो वो उस पर भी ऑथराइजेशन होता है, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर ट्रांजैक्शंस का ऑथराइजेशन, ट्रांजैक्शन किसने करी, कौन से लेवल के लोगों ने बोला, ऑथराइजेशन होना चाहिए। यस मैम। चलो बताओ एंटिटी को खुद अपने आप अपना बैंक रिकंसिलेशन बनाना चाहिए या नहीं, कि अरे कहां कहां डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो डिफरेंसेस ठीक से, यू नो अभी तो मैं कोई ऑडिटर को बीच में लेके ही नहीं आई हूं, अभी तो मैं बोल रहा हूँ एंटिटी लेवल के कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स। एंटिटी को अपने आप अपना बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए कि भाई अगर कोई डिफरेंसेस के रीजंस है तो वो रीजंस दूर हो जाए, हमारे अकाउंट्स में गड़बड़ नहीं होए। फिर से बोलो, हमारे अकाउंट्स में गड़बड़ नहीं होए, राइट। हां जी। अब जो एंटिटी में कैश होता है, कैश को काउंट भी करना चाहिए और कैश को सेफ कस्टडी में भी रखना चाहिए। भाई अगर कैश यूं ही कहीं पे पड़ा रहेगा, ऐसे ही इधर उधर रखा हुआ है और किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन की कस्टडी में नहीं है, तो कैश की चोरी होने की संभावना बढ़ जाएगी ना। बोलो। हाँ फिर तो कैश की चोरी होगी। आप अगर बड़े बड़े एंटिटीज से, फॉर एग्जाम्पल आप बिग बाजार में जाते हो, आप रिलायंस फ्रेश में जाते हो, इस तरह की जो एंटिटीज होती है आपने कभी देखा होगा, उनके यहाँ पर स्पेशली डिजाइन ड्रॉर्स होती है। वो पर्टिकुलर स्पेशली डिजाइन ड्रॉर्स के अंदर ऐसे करके एरियाज बने होते हैं कि भाई ठीक है यहाँ पे 500 का नोट है, यहाँ पे 100 का नोट है, यहाँ पे 200 का नोट है, तो वो 200 के नोट वाले ही उसमें लगाते हैं। एंड देन जब आप अपना कैश दे देते हो उसको ड्रॉर को बंद करके, एंड दैट्स इट, है ना। सो एक चीज बताओ, कैश की काउंटिंग भी होनी चाहिए, दिन खत्म होने पर डेली कैश की काउंटिंग क्लाइंट को करनी चाहिए, एंटिटी में होनी चाहिए, और कैश सेफ कस्टडी में भी रखा होना चाहिए। इवन अगर कैश बहुत ज्यादा है, जैसे बहुत सारी एंटिटीज है, मान लो प्रोविजनल स्टोर है, उनके यहाँ पे कैश भी आ रहा है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट्स भी हो रहे हैं और कैश भी आ रहा है, तो आप बताओ इवन अगर इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस है तो जॉइंट कस्टडी में होना चाहिए कि दो लोग जो हैं उनके पास कस्टडी है, हर काम को करने के लिए अलग पर्सन है। जैसे कैश बुक कोई और मेंटेन कर रहा है, अगर कैश बुक मिस्टर ए मेंटेन कर रहे हैं तो कैश की फिजिकल कस्टडी उनके पास नहीं होगी, कैश की फिजिकल कस्टडी किसी और के पास में होगी, है ना। सो देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। चिंता नहीं करने का, आपके यहाँ चैप्टर नंबर 3 का नाम ही है इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिस्क असेसमेंट, राइट। बट ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। आप बताओ, सो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, कैश बुक किसी और के पास होना चाहिए, कैश किसी और के पास होना चाहिए, नहीं तो होगा क्या, जिस पर्सन के पास कैश है वो कैश को गप कर जाएगा और कैश बुक में एंट्री भी नहीं करेगा, है ना। सो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए। टाइम टू टाइम मशीन की मेंटेनेंस प्रोग्राम्स कैरी आउट कराना, नहीं तो मशीन खराब हो जाएगी, उसको रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, उसकी लाइफ पे फर्क पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन पे भी इम्पैक्ट आएगा, राइट। अब आप बताओ, बहुत सारी चीजें होती है कि भाई ये ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गई, मान लो आप किसी बैंक का ऑडिट करने के लिए गए, तो बैंक वाले भी तो इंटरनल कंट्रोल लगाते हैं, उनके पास अगर बहुत सारी लोन की एप्लीकेशन आई तो आप बताओ क्या बैंक वाले आंख बंद करके हाँ भाई ले जाओ लोन ले जाओ ऐसे करके दे देते हैं, या अगर बहुत सारी लोन की एप्लीकेशन आती है तो पहले उन एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं, सामने वाले की क्रेडिट वर्दनेस को देखते हैं। आप समझ रहे हो, बैंक में बैंक एक एंटिटी है ना, बैंक में बहुत सारी लोन की यू नो एप्लीकेशंस आई, तो बैंक वालों ने क्या किया, सामने वाले की क्रेडिट वर्दनेस देखी, उसकी इनकम क्या है, इनकम के सोर्सेस क्या है, क्या वो हमारा पैसा भर पाएगा या नहीं भर पाएगा, ये सब चीजें देखते हैं बैंक वाले, राइट। फिर या तो लोन को अप्रूव कर देते हैं या लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं, तो ये क्या है, ये उनका बेटा इंटरनल कंट्रोल है। चलो मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर ये इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा बैंक में, बैंक के पास 10 एप्लीकेशन है आंख बंद करके, भाई लोन बांट दो लोन,
ऐसे कर दिया उन लोग ने, ठीक है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं लगाया, कोई सामने वाले की क्रेडिट वर्दिनेस को इवैल्यूएट नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं बातों बातों में तुम्हें कीवर्ड बोलते जा रही हूँ पता है, पर तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। बैंक ऑडिट का चैप्टर है तुम्हारे यहाँ पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 10, वहां पता चलेगा इस बात का सिग्निफिकेंस। चलो बताओ, यू ही आगे की बात नहीं, अच्छा आसान बताओ, आसान आसान बात समझ आ रही है, यही कॉन्सेप्ट बन जाएंगे चैप्टर्स में। सो उन्होंने क्या किया, सब लोगों को लोन्स बांट दिए, सब लोग को लोन्स देते चले जा रहे हैं, सामने वाले की क्रेडिट वर्दिनेस, उसको लोन दे भी या नहीं, इसको इवैल्यूएट ही नहीं कर रहे, तो क्या होएगा इससे भाई, उन लोगों का पैसा डूब जाएगा। ठीक है, आपने कभी पुराने जमाने में सुना है गुड फेथ में किंग फिशर एयरलाइंस बैंक के पैसे लेके गप, राइट, प्लस इसके साथ और बहुत सारी चीजें, कुछ लोग डायमंड्स की बिजनेस ये वो, राइट, तो वो लोग क्या, वो लोग वहां पे पैसे बैंक से लिए और बैंक का पैसा गप कर गए। बहुत सारे बिल्डर्स बैंक का पैसा गप कर जाते हैं, बहुत सारे बिल्डर्स के ऊपर केसेस चल जाते हैं, राइट, तो इस तरह की आम्रपाली बिल्डर, इस तरह के तमाम बिल्डर्स है, ना जेपी इंफ्रा इंसॉल्वेंट हुए, तो बैंक का पैसा भी डूब जाता है, यानी बैंक ने सही तरह से क्रेडिट वर्दिनेस को इवैल्यूएट नहीं करा। तो आप बताओ, ये इवैल्यूएट करना क्रेडिट वर्दिनेस को, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना, ये क्या है, ये इंटरनल कंट्रोल है उस एंटिटी का, मेरे एग्जाम्पल में बैंक का, अगर ये इंटरनल कंट्रोल होएगा, होएगा है ना, चलो इंटरनल कंट्रोल होगा, इधर की तरफ बनाते हैं, अगर इंटरनल कंट्रोल होगा तो पैसा डूबने का चांस, गड़बड़ होने का खतरा क्या होगा मैम, कम होगा। कितने अच्छे बच्चे हो आप लोग, तो मुझे पढ़ाए चले जा रहे हो, मुझे तो पढ़ाना ही नहीं पड़ रहा है ना। और अगर ये इंटरनल कंट्रोल नहीं होएगा, हर किसी को लोन बांट दो, तो गड़बड़ होने का खतरा ज्यादा होगा, इनके बहुत सारे पैसे डूब जाएंगे। सो अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग पे भी तो प्रभाव पड़ेगा। अब बताओ, थोड़ी थोड़ी ये सब एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं आपको, राइट, तो ऐसे करके बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स बस इसी बात पर आते हैं। अब बताओ, अगर मान लो ये जो पी नाम की एंटिटी है, इनके इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है इनके, हाँ ये लोग कैश को कोई सेफ कस्टडी में नहीं रखते हैं, अब बताओ कैश के चोरी होने की संभावना ज्यादा है ना, और प्लस इसके साथ में कैश को काउंट भी नहीं करते हैं इन लोग, ये लोग इन्वेंट्री जब आती है ऐसे इन्वेंट्री एक तरफ पड़ी रहती है, कोई स्टोर मैनेजर उसको ध्यान नहीं देता है, तो इन्वेंट्री का भी चोरी होने का खतरा ज्यादा है। ये लोग कोई भी किसी को भी सामान उधार पे बेच देते हैं, देखते ही नहीं है कि सामने वाली पार्टी इनको पैसा देगी भी या नहीं देगी, तो आप बताओ इनके यहाँ पे बैड डेट होने का खतरा ज्यादा है। कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे से बताते चले जा रहे हो, ठीक है, तो आप बताओ जब इनके इंटरनल कंट्रोल्स ही नहीं है, ये लोग कोई ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज नहीं कर रहे, ऑथराइजेशन अप्रूवल्स नहीं है, ऐसे ही सारी चीजें पड़ी हुई है, कोई काउंटिंग नहीं कर रहा है, कोई बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं बना रहा है, फिर तो पक्का बैंक का बैलेंस गलत आएगा। तो आप बताओ यहाँ पे बेटा रिस्क कैसा है, यहाँ पर रिस्क ज्यादा है। अब उस रिस्क को क्या बोलेंगे, रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में मिस स्टेटमेंट पढ़ा था ना, अमाउंट में, क्लासिफिकेशन में, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में गड़बड़ है ना, कितने अच्छे बच्चे, तो अमाउंट में भी तो गड़बड़ हो सकती है, तो यहाँ पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा होगा। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कब ज्यादा होता है, जब क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं होते। अब रटना मत, समझ आई कुछ बात। चलो अब ये जो क्यू वाली एंटिटी थी, इसके यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल गजब है, TCWG अपने आप सुपरविजन करता है, प्लस जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट टाइम टू टाइम कदम उठाता है, प्रॉपर अप्रूवल्स होती है ट्रांजैक्शंस के, प्लस कैश के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हुए हैं इन लोगों ने, इन्वेंट्री के ऊपर स्ट्रिक्ट इंटरनल कंट्रोल्स है, सैलरी का जब भी पेमेंट होता है तो वो प्रॉपरली अप्रूव्ड होता है, अगर किसी को डिस्काउंट्स दिए जाते हैं तो वो सब प्रॉपरली ऑथराइज्ड एंड ऑल। तो आप बताओ यहाँ पे गड़बड़ होने का खतरा, अभी तो मैं ओवरऑल पूछ रहे हो, बिल्कुल दो एक्सट्रीम्स ले लिए, यू नो बिल्कुल दो अलग अलग चीजें, तो यहाँ पे गड़बड़ होने का खतरा कम होगा। अब आप सोच के बताओ,
कहाँ पे ऑडिटर को चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, कहाँ पे ऑडिटर को, आपको वो पापा वाला एग्जाम्पल ध्यान रहा, कहाँ पे ऑडिटर को चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, कहाँ पे ऑडिटर को ध्यान ज्यादा लगाना पड़ेगा, कहाँ पे उसको अकाउंट्स को ज्यादा चेक करना पड़ेगा, कहाँ पे उसको सैंपल साइज ज्यादा बनाना पड़ेगा। मैम ऑडिटर जो रिस्पॉन्सेज देगा या ऑडिटर जो टेस्ट, अभी केवल टेस्ट बोल रहे हैं, ऑडिटर टेस्ट यहाँ पे ज्यादा करेगा क्योंकि यहाँ पे खतरा ज्यादा है, एज अ जनरल रूल। सो अगर ऑडिटर को कहीं पे रॉन्ग ज्यादा लगता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा लगता है, यहाँ पर ये जो पी नाम की एंटिटी है इन लोगों के यहाँ पे आपके ऑडिट करते करते आपको पता चला इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, न्यूज में नाम आ रहा है, इनके TCWG बेईमान निकल रहा, तो यहाँ पे डाउट होएगा। अगर डाउट होएगा तो चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट्स में गड़बड़ का खतरा ज्यादा हो गया, राइट। और अगर मैंने कहा ये क्यों है, यहाँ इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, दीज आर वेरी नाइस, तो यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ होने का खतरा कम हो जाएगा, बिकॉज वो लोग टाइमली मैनर में डेटर रिकंसाइलेशन कर रहे हैं, बैंक रिकंसाइलेशन कर रहे हैं, कैश प्रॉपर कस्टडी में है, जॉइंट कस्टडी में है, समय समय पे सुपरवाइज कर रहे हैं कि कहीं पे कुछ गड़बड़े तो नहीं हो रही, आपकी पॉलिसीज को चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, हर काम करने के लिए पृथक पृथक व्यक्ति है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है। बातों बातों में कीवर्ड्स करते जा रहे हो, तो कुछ आया कहानी समझ, ग्रेट। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्योंकि सब चीजें अच्छी हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ होने का खतरा अकाउंट्स में, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होएगा, तो यहाँ पे ऑडिटर को टेस्टिंग भी अकाउंट्स की कम करके भी काम चल सकता है, हाँ राइट। सो आप मुझे ये बताओ, क्लाइंट क्या गड़बड़ होने का खतरा कम है या ज्यादा है, इसके लिए ऑडिटर को उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए या नहीं, कि भाई एक काम करते हैं पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देख लेते हैं, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा होगा तो गड़बड़ का खतरा कम होगा, अगर उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं होएगा तो गड़बड़ का खतरा ज्यादा होगा, ऐसे ही आगे चल के अकाउंट्स को चेक कर लेंगे। हाँ मैम ये तो समझ आया, बस दिस इज योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, इफ दैट इज ओके तो आपको यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले तो मुझे आप बस इतनी बात बताओ, क्लाइंट या सिस्टम, बस ये लिखना है आपको, आप बताओ क्लाइंट या सिस्टम दो तरह के हैं, अभी मैं सिर्फ आपको मेन मेन चीजें करा रही हूँ, एक है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्लाइंट क्यों बनाता है, सो ये क्लाइंट के सिस्टम्स हैं, क्लाइंट के सिस्टम्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो बनाता है टू इंश्योर दैट इट्स ऑपरेशंस आर कंडक्टेड इन इफेक्टिव मैनर, कि उसका कामकाज सही तरह से हो, उसका कैश की चोरी नहीं हो, तो उसने कैश के कंट्रोल्स बनाए, कैश की काउंटिंग होगी, कैश जॉइंट कस्टडी में होगा, सेफ कस्टडी में रखा जाएगा, राइट right? ठीक है, सो इंटरनल कंट्रोल्स क्यों बनाते हैं, कि उसका कामकाज अच्छी तरह से हो, इन्वेंट्री पे कंट्रोल्स लगाए, राइट, इन्वेंट्री सेफ कस्टडी में है, ज्यादा कॉस्टली वाली इन्वेंट्री लॉक्स में रखी हुई है, अच्छा प्लस इसी तरह से इन्वेंट्री के रिकॉर्ड कोई और रख रहा है और इन्वेंट्री को मेंटेन कोई और कर रहा है, इन्वेंट्री की फिजिकल कस्टडी किसी और के पास में है, ये क्यों बनाए, ताकि इन्वेंट्री की चोरी नहीं हो, ताकि इन्वेंट्री जितनी की गोडाउन में है उतनी ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ पाए, बात समझ आ रही है ना, ग्रेट। ठीक है, ये लोग अगर किसी को भी उधार पर सामान बेचते हैं तो पहले देख लेते हैं कि सामने वाला उधार देने के लायक है या नहीं है, राइट, उसकी क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है, क्या वो व्यक्ति का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है या नहीं, अगर ये इंटरनल कंट्रोल है तो पैसे डूबेंगे नहीं, वो डेटर से पैसे आ जाएंगे, राइट। सो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज मेंटेन टू इंश्योर दैट क्लाइंट्स ऑपरेशंस आर बीइंग कंडक्टेड इन इफेक्टिव मैनर, और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे हैं, अब आप समझो, तो प्रिवेंशन, करेक्शन, एक सेकेंड बेटा मैंने प्रॉपरली तीनों ही कीवर्ड्स अलग अलग लिख देती हूँ आपको, तो प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्लाइंट कर पाएगा।
आप बताओ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों बनाए कि उसका कामकाज ठीक से चले, और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स अच्छे हैं तो क्या होगा, मटेरियल मिस स्टेटमेंट या तो होंगे ही नहीं गड़बड़े, या अगर गड़बड़े हैं तो वो पकड़ में आ जाएंगी। भाई देखो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो कोई भी यू नो डिफरेंस के रीजंस थे वो पकड़ में आ जाएंगे, और करेक्शन, अरे जैसे 11th क्लास में अगर तुम्हारे पास अकाउंट्स होगा तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्रीज वाली बात उन लोग करेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब कामकाज ठीक से हो और मिस स्टेटमेंट का प्रिवेंशन डिटेक्शन, प्रिवेंशन का मतलब या तो हो नहीं या अगर है तो पकड़ में आ जाए और फिर वो करेक्ट हो जाए, ये भी ठीक से हो जाए। अब आप सोचो सोचो एक दूसरा सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम तो सबको पता है जिसमें अकाउंट्स मेंटेन हुए, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द थिंग्स, ठीक है। सो क्लाइंट केयर सिस्टम कितने होते हैं, दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और एक अकाउंटिंग सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो ये इंश्योर करता है कि क्लाइंट के ऑपरेशंस ठीक तरह से हो, इंक्लूडिंग मटेरियल मिस स्टेटमेंट का प्रिवेंशन करेक्शन, मतलब पहले डिटेक्ट हो जाए अगर कुछ है तो प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन वो ठीक से हो जाए, एंड अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें अकाउंट्स मेंटेन किए गए। नाउ नाउ हमें अकाउंट्स को कितना चेक करना है, राइट। सो हम कितनी चेकिंग करेंगे किस बात पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है, स्टडी करता है क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी। आप सोचो क्यों, एक बस ब्रॉड आउटलुक बना लो, अगर उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो आगे चल के अकाउंट्स को, ट्रांजैक्शंस को, बैलेंसेस को चेक कम करना पड़ेगा, और अगर उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है तो आगे चल के अकाउंट्स को चेक ज्यादा करना पड़ेगा, एविडेंसेस ज्यादा ऑब्टेन करने पड़ेंगे, तब जाकर के कॉन्क्लूजन ओपिनियन आएगी रिपोर्ट में। सो ऑडिटर मुझे काम कितना करना है कितना नहीं करना है, इसके लिए पहले कौन से सिस्टम को यू नो अंडरस्टैंड करता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। अगर क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो आगे चल के चेकिंग कम करता है। अब सिर्फ इतना लिखना है आपको, सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बस इतनी सी चीज, अभी बस इतना सा कर लीजिए। सो वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करता है क्लाइंट यहां कैसा है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है। बिकॉज अगर क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो मैं आगे चल के चेकिंग कम करूंगा, और अगर क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है तो मैं अकाउंट्स को चेकिंग ज्यादा करूंगा बोलता है ऐसा, ठीक है। बस इतनी सी बात है मैम, ये इतनी सी बात है। अभी इसके अंदर कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज और आ जाएंगी कि भाई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जब चेक करता है तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, फिर अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं। अभी तो बस ये दो तरह के सिस्टम है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं आपको आगे का एक का टॉपिक, अब अच्छा वाला टॉपिक शुरू करा सकते हो? हाँ कर तो सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो हमारे पास बस इतनी सी चीजें, ओके, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे हैं तो आगे चल के चेकिंग कम करूंगा नहीं तो ज्यादा। अब बेटे बहुत ध्यान से आप अपने पास टॉपिक नंबर 1.11 पर आ जाइए। इससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में एक पर्टिकुलर टर्म पढ़ा था, जब हम कर रहे थे कि आप क्या क्या चीज़ों को पढ़ते हो, तो आप क्या चीज़ देते हो, आप उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को भी स्टडी करते हो, आप क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को भी स्टडी करते हो, उसको स्टडी करके आपको पता चल जाता है कि कैसे हैं, ठीक है। तो ऑडिटर को पता चल जाता है जब वो स्टडी करता है, असेस करता है अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल्स को, राइट, और फिर उनको चेक कर लेता है, दैट्स इट। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी स्टडी करता है वो। अब एक काम करते हैं आज की क्लास का, इनहेरेंट लिमिटेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन? देखो इनहेरेंट का मतलब कोई चीज जो सिस्टम में इनबिल्ट है, something which cannot be segregated from that particular topic. तो inherent limitations of audit, audit के system में, मतलब audit के concept में जो limitation है,
जो उसमें इनबिल्ट, जो उससे जुड़ी हुई कंप्लीटली लिमिटेशंस हैं या कुछ कमी कह सकते हो आप उसके अंदर है, जिसकी वजह से ऑडिटर 100% तसल्ली ऑब्टेन नहीं कर पाता। आई एम टेलिंग यू दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखो, द प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर्स फ्रॉम सर्टेन इनबिल्ट लिमिटेशन ड्यू टू विच ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। लास्ट क्लास तक आपने पढ़ा था ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस हासिल करता एब्सोल्यूट नहीं। ऐसा क्यों है, क्यों वो 100% तसल्ली हासिल नहीं करता, ऐसी क्या वजह है? सो व्हाई, व्हाट इज द रीजन? सो रीजन इज इनहेरेंट लिमिटेशन। नाउ कहता है इनहेरेंट लिमिटेशंस, पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो हमारे पास में ये जो इनहेरेंट लिमिटेशंस आएंगी, 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस आएंगी, ये बहुत ज्यादा आती हैं। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट। फिर उसके बाद में हमारे पास फ्यूचर इवेंट्स है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, और टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात आती है। तो हमारे पास एक तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पहले तो मैं आपको ये बता दूं इनहेरेंट लिमिटेशंस है। देखो जब मैं कई बार रिपीट करूंगी तो ये निमोनिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, हर चीज का निमोनिक नहीं बना रहे बट कुछ कुछ जगह पे बन जाता है। सो नेचर फिट, राइट, क्योंकि दो कीवर्ड इसके नेचर से ही जा रहा है। सो इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशंस है नेचर फिट, राइट। इनहेरेंट लिमिटेशंस है नेचर फिट। सो नेचर दो चीजों की, नेचर क्लाइंट के लेवल पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नेचर, हमारे लेवल पर ऑडिट प्रोसीजर की नेचर। देखना नेक्स्ट क्लास में क्विक रिवीजन में सब याद आएगा आपको, राइट। सो नेचर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, नेचर ऑडिट प्रोसीजर की, पहले इसको याद करते हैं। एफ फ्यूचर इवेंट्स होती हैं, फ्यूचर में कुछ बातें होती हैं। आई ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं कर रहा है। एंड टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी टाइमलीनेस डिलेज होते हैं, टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अभी बात करते हैं क्या मतलब है किस चीज का। बस ये तीन चीजें हो गई आपके पास में, ये तीन चीजें फिट में आ गई और नेचर जो है वो दो का हो गया। सो दिस विल बिकम माय निमोनिक। एक बार मैं आपको ये पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। देखो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ऑडिटर 100% पक्का नहीं कर पा रहे कि जो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिखा है वो पक्का सही लिखा है या नहीं लिखा है। पहला रीजन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो बहुत सारे एस्टिमेट्स आते हैं। मैम एस्टिमेट्स का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव डिसीजन, जहां पे अनसर्टेनिटी होती है, जजमेंट बाय मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल जो एस्टिमेट्स होते हैं, मैम एस्टिमेट्स का मतलब बताओ, मैं आपको एक रीजन बताती हूँ एस्टिमेट्स का। देखो बच्चे एक बात समझो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत सारे जजमेंट्स है जहाँ सब्जेक्टिव डिसीजन है। देखो मैनेजमेंट को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है ना। अब मैनेजमेंट को अगर अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है तो वो जानबूझकर प्रोविजन कम लगाएगा, कहेगा नहीं जी नहीं जी, हमारे यहाँ पे ना कोई बैड डेट्स नहीं होंगे, हमारे तो बहुत बढ़िया इंटरनल कंट्रोल है, हम तो डेटर से सारे पैसे निकलवा लेते हैं, हम तो उनको टाइम टू टाइम खूब रिमाइंडर्स भेजते हैं, खूब अच्छे से हम उनसे पैसा वसूल कर लेते हैं, हमारे तो बैड डेट होती नहीं है। अगर क्लाइंट को, अब आप ना उतनी चीजें बोल नहीं पाओगे उनको, अगर क्लाइंट को प्रॉफिट ज्यादा दिखाने आ तो वो अपने प्रोविजन कम से कम लगा के चलेंगे। बात समझ में आई? ग्रेट, राइट। तो अब देखो प्रोविजन 5% का बनाना है या 10% का बनाना है, एस्टिमेट कितना रखना है, ये तो मैनेजमेंट का भी जजमेंट है ना। एंड दिस इज समथिंग जो अनसर्टेनिटी, आप बताओ बैलेंस शीट डेट को 31 मार्च को इस साल कौन कह सकता है कि भाई बैड डेट कितने होंगे? ये तो जाके अगले साल ही पता चलेगा ना कि जो प्रोविजन अगर 5% का 10% का बना है वो ठीक है या नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे क्या आते हैं, सोचो क्या आते हैं, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, एस्टिमेट, सब्जेक्टिव डिसीजन जहां अनसर्टेनिटी है, कोई उन लोगों के ऊपर केस चल रहा है, ठीक है, जो केस उन लोगों के ऊपर चल रहा है, मान लो कोर्ट में केस चल रहा है, हम गए थे फर्नीचर वाला को ऑडिट करने के लिए, फर्नीचर वाला से एक चेयर खरीदी कंज्यूमर ने, अब उस चेयर के ऊपर कंज्यूमर बैठा, कस्टमर बैठा, चेयर टूट गई, वो गिर गया, उसका थोड़ा सा हड्डी टूट गया और उसको प्लास्टर लग गया और उसने कोर्ट में कंज्यूमर फोरम में केस कर दिया। कहता है नहीं जी इन्होंने ना खराब क्वालिटी की चेयर बेची थी। अब क्लाइंट कह रहा है
कि भाई मतलब वो फर्नीचर वाला लिमिटेड कह रहा है नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला, मैंने जब चेयर दी थी बिल्कुल ठीक दी थी, उसके घर पे जा करके और उस चेयर में कुछ हुआ, हमें कोई भी कोर्ट के अंदर कॉम्पनसेशन पे नहीं करना पड़ेगा। नाउ इट डिपेंड्स, ये तो बाद में जाके पता चलेगा ना जब कोर्ट का डिसीजन आएगा, ठीक है। अब मैनेजमेंट कह रहा है नहीं जी कुछ नहीं होएगा, तो ऐसी जो चीजें हैं सब्जेक्टिव डिसीजन, और इवन अगर कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, नोबडी नोज, राइट। सो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ जजमेंट, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस्टिमेट। देखो अगर तुमने ये एग्जाम्पल ध्यान से समझे, अभी से अपनी पॉलिसी बना ली कि मैम जो बोल रही है एग्जाम्पल ध्यान से समझने हैं, दीज एग्जाम्पल्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि भाई जो बात स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग में लिखी है क्यों ये एग्जाम्पल दिया है वहां पे, राइट। तो आप मुझे बताओ, अनसर्टेनिटी है, ऑडिटर उसके बारे में तो कोई पक्का बोल ही नहीं सकता ना, ठीक है। अब मैनेजमेंट कहता है जी मैं तो सुटेबल इंटरनल कंट्रोल्स बना रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब अच्छे होंगे जब इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे, पर एक बात बताओ, इंटरनल कंट्रोल्स में भी तो गड़बड़ हो सकती है मैम, कैसे हो सकती है। चलो मैं तुम्हें एक चीज बताते हूँ, कैश की ज्वाइंट कस्टडी है, दो लोग हैं, एक मेन कैशियर और एक उसका असिस्टेंट, दोनों मिलकर और कैश की ज्वाइंट कस्टडी करते हैं। क्लाइंट ने ये सोचा है कि भाई ज्वाइंट कस्टडी होगी तो अगर एक गड़बड़ करना चाहेगा तो दूसरा उस गड़बड़ को रोक देगा, पर दोनों ने मिली भगत कर ली। मैम व्हाट इज मिली भगत? जैसे कोल्यूजन कर लिया, कोल्यूजन, दोनों ने कोल्यूजन कर लिया। उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, 10,000 हटाते हैं, 5,000 तुम रखना, 5,000 हम रखेंगे, ना तुम बताना ना हम बताएंगे, आपस में मिली भगत करके गड़बड़ कर लिया। आपको समझ आया? चलो दूसरा एग्जाम्पल, इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई भी खर्चा होगा, मान लो से फॉर एग्जाम्पल कोई भी ट्रैवल का खर्चा होगा हमारे एम्प्लॉयज का, और अगर वो खर्चा 10,000 रुपये से ज्यादा का होगा तो उसको अप्रूव करेंगे असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर। उन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर 10,000 रुपए से ऊपर का कोई ट्रैवल का खर्चा होगा एम्प्लॉयज करेंगे तो उसको असिस्टेंट मैनेजर अप्रूव करेंगे, तभी होगा वो खर्चा, नहीं तो नहीं होगा। असिस्टेंट मैनेजर ने खुद झूठे खर्चे के बिल डाल दिए। बताओ भला मैम ऐसा होता है? अरे सब होता है, प्लीज ध्यान से समझ लो। आपने कभी नहीं सुना कि बड़ी बड़ी एंटिटीज वहां पे गाड़ी दी जाती है अपने स्टाफ को ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने के लिए, पेट्रोल के बिल झूठे। इवन साहब जब आ जाते हैं ऑफिस, फिर उसके बाद में गाड़ी घर चली जाती है, फिर उसके बाद में वो वहां पर पर्सनल अपने यू नो रीजन से गाड़ी घूमती रहती है, और खर्चे ऑफिस में, ऑफिस के मतलब खर्चे के बिल सारे के सारे ऑफिस के अंदर पड़ जाते हैं। सो बेसिकली दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इंटरनल कंट्रोल लगाया पर जिस पे यकीन किया था उसी ने गड़बड़ कर डाला। बात समझ आई? ठीक है, सो इसका मतलब द कंपनी ने तो ये बात सोची थी कि भाई असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर गड़बड़ नहीं करेगा, वो इतने से ऊपर के खर्चों को देखभाल के अप्रूव करेंगे, बट उन्होंने खुद ही झूठे खर्चों के बिल पास कर दिया, अप्रूव कर दिया, कंपनी का पैसा गबन कर लिया। सो यस, ऐसा हो सकता है, दे आर कैन बी डिसऑनेस्ट पर्सन ऑल्सो। सो एक्चुअली हो सकता है कंट्रोल्स ऑपरेट नहीं हुए हो, या तो कंट्रोल बनाए नहीं हो, या कंट्रोल्स बनाए हो बट अच्छी तरह से चले नहीं हो। सो प्लीज मुझे बताओ नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो कीवर्ड्स को आपके पास ऑलरेडी कीवर्ड्स हाईलाइटेड है, बट कीवर्ड्स को हमें ज्यादा ध्यान देना है। इसीलिए पता है मैं क्या बोलती हूँ, हमेशा मैं ऐसे बोलती हूँ जैसे लाइक इस लैपटॉप के ऊपर तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लाइक दिस इज द लैपटॉप, बट इसके ऊपर तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि किस तरह से, बट मैं आपको ना कॉपी पे जरूर बता सकती हूँ किसी पेज पर। से फॉर एग्जाम्पल आप ये किताब पढ़ रहे हो, जब अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट टाइम क्या कर लेंगे, हम एक पेपर से अगर इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है हम उसको छुपा लेंगे और छुपा करके याद करने की कोशिश करेंगे, हाँ नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या लिखा था। समटाइम्स आई से चलो आंख बंद करके रिवाइज करते हैं, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है, ठीक है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या लिखा था, रिकॉल करने की कोशिश करो बिना देखे,
बिना देखे कॉल करने की कोशिश करो क्या लिखा था। नेचर ऑफ फाइनेंशियल बोर्डिंग में हाँ एस्टिमेट्स होते हैं, सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं, सब्जेक्टिव डिसीजंस में अनसर्टेनिटीज होती हैं, इवन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छी है या नहीं इस बात पे निर्भर करता है इंटरनल कंट्रोल्स या नहीं, पर इंटरनल कंट्रोल्स खुद गड़बड़ हो सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद में देखा हाँ हाँ देखो सुटेबल इंटरनल कंट्रोल कंट्रोल्स में नॉट हैव बीन ऑपरेटेड, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, टिक कीवर्ड्स हमें याद आए। दैट इज द बेस्ट वे, दैट इज द बेस्ट वे कि हम रिकॉल करें, हम खाली प्लेन रीड नहीं कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, अगली क्लास में रिवाइज कर रहे हैं, हमें चीजें याद होंगी। खाली निमोनिक में नहीं ढूंढना पड़ेगा कि इस एफ आई टी में आई का मतलब क्या था और इसका मतलब क्या था, ठीक। चलो सो नाउ प्लीज टेल मी नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं जजमेंट, सब्जेक्टिव जजमेंट हो सकते हैं जिनमें अनसर्टेनिटीज हो सकती है, ऑडिटर उनको पक्का कभी नहीं कर सकता। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अच्छी बनेंगी यानी इस बात पे डिपेंड करता है इंटरनल कंट्रोल्स कैसे, समटाइम्स इंटरनल कंट्रोल में नॉट हैव बीन ऑपरेटेड, ठीक से नहीं ऑपरेट होंगे, राइट, ग्रेट। अब कहते हैं बेटा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड। देखो आई एम टेलिंग यू इसके अंदर जो ये प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन वाला पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल आपको पता है क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं लाइक 3 marker 4 marker इस तरह से, तो ये जो लीगल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशंस है ये आपके पास 3 marks के अंदर बहुत आराम से आ सकता है। देखो जो हम काम कर रहे हैं, हम एविडेंस ऑप्टेन कर रहे हैं, एविडेंस ऑप्टेन करने के लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हम चेक इन कर रहे हैं, राइट। तो हम जो चेक इन कर रहे हैं वो उसके ऊपर भी लिमिटेशन लगती है प्रैक्टिकल और लीगल। देखो एक बात सुनो बहुत ध्यान से, प्रैक्टिकल अगर मैं सोचूं भी ना तो भी मैं क्लाइंट की 100% चेकिंग नहीं कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका मुझे ऑडिटिंग करना है, क्लाइंट ने जितनी ट्रांजैक्शन पूरे साल भर की है इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी कि मैं वो 100% चेकिंग कर जाऊं। सो देयर इज अ प्रैक्टिकल लिमिटेशन, आई कैन नॉट चेक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन दैट हैज अकर्ड इन द क्लाइंट्स ऑफिस, मैं हर चीज चेक नहीं कर सकती, तो मुझे किसका सहारा लेना पड़ता है, सैंपल का। अब सोचो सोचो अगर मैंने 100% ट्रांजैक्शन को चेक किया ही नहीं, सैंपल सैंपल मतलब मैंने 100% चेकिंग नहीं की, अगर मैंने 100% चेकिंग नहीं की, 100% एग्जामिन नहीं किया चीजों को, तो मैं 100% का सैलरी तो ऑप्टेन कर ही नहीं सकती। क्लाइंट के यहां 100 debtor थे, अगर मैंने 60 debtor का भी अकाउंट अच्छे से चेक कर लिया, उनके भी बैलेंसेस चेक कर लिए, तो जो 40 मैंने नहीं करे हो सकता उसी में गड़बड़ हो। यस दैट इज द लिमिटेशन, प्रैक्टिकल लिमिटेशन, आई कैन नॉट चेक 100% ऑफ पॉपुलेशन, मैं 100% चेकिंग नहीं कर सकते हो, मुझे सैम्पलिंग का सहारा लेना पड़ता है, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, राइट। सो बिकॉज मैं 100% चेकिंग ही कर रही हूँ, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत आता है, अगर आप वो चीज भूल भी गए किताब में क्या लिखा था तो भी बात तो दिमाग में आएगी, प्रैक्टिकल नहीं है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, वी जस्ट कैन नॉट। इसमें कहते हैं ना मैम आपके लिए तो कहना बहुत आसान है कि भाई 250 pages ही तो है याद कर जाओ, हमारे पास तो इतने सारे सब्जेक्ट्स है, प्रैक्टिकली नहीं है सारी की सारी चीजें याद करना। मैं भी जानती हूँ किताब से रट्टा मारना होता तो बैठ करके बस किताब को याद कर जाओ, बट इट्स नॉट पॉसिबल, यू आर गोइंग टू मिक्स अप, राइट। सो क्या करना है हमें, हमारे लिए प्रैक्टिकली हम कीवर्ड्स को ध्यान लगाते हैं, हम मेन चीजों को ज्यादा ध्यान लगाते हैं। सो ऑडिटर को सैंपल का सहारा लेना पड़ता है, प्लस इसके साथ साथ दूसरी बात, मैनेजमेंट हो सकता है हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे ही ना। मैम व्हाट इज द मीनिंग मैनेजमेंट हमको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे, जानबूझ के हमसे बात छुपा गया, मैनेजमेंट का इंटेंशन था किसी पर्टिकुलर यू नो इसको रखने का, कि मैनेजमेंट ने सोचा कि भाई हम ना फाइनेंशियल से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट का इंटेंशन था किसी इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म रखने का, पर उन्होंने हमें बताया ही नहीं, उन्होंने हमें पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, और हम बताओ हमने लास्ट क्लास पढ़ा था हम फोर्स तो कर नहीं सकते, ये तो लीगल लिमिटेशन है, हमारे ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ ने हमें अथॉरिटी थोड़े ना दी है। सो प्लीज एक तो MCQs के लिए, एक आपके पास एग्जाम में लिखने के लिए, प्रैक्टिकल लिमिटेशन कौन सी है और लीगल कौन सी है उसका एग्जाम्पल, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सो प्रैक्टिकल सैम्पलिंग का सहारा लेना पड़ता है, इतना टाइम नहीं है कि हम 100% चेकिंग कर पाए, एंड दैट इज वाई बिकॉज हमने 100% चेकिंग नहीं की, हम 100% एब्सोल्यूट अश्योरेंस हासिल नहीं कर सकते, एंड
लीगल लिमिटेशन, हम मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकते, हम उसको ऑन ओथ एग्जामिन नहीं कर सकते, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। अब प्लस आप बताओ भैया, मैनेजमेंट के अंदर भी तो डिसऑनेस्ट बेईमान लोग हैं, अनस्क्रूपलस पर्संस हैं। अनस्क्रूपलस पर्संस का मतलब क्या हुआ? झूठे लोग, मिली भगत करके गड़बड़ करते हैं, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, झूठे दस्तावेज पेश कर देते हैं, हमको चला देते हैं। तो भी तो बच्चे, हम एक बात बताओ, हम चीज़ें नहीं कर पाएंगे ना इन एनी केस, सिंपल एनफ। तो क्योंकि मैनेजमेंट में डिसऑनेस्ट अनस्क्रूपलस पर्संस हैं, वो लोग फ्रॉड कर सकते हैं, फ्रॉड मिली भगत करके भी कर सकते हैं, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, बाहर से झूठे खर्चों के बिल ला सकते हैं। आपको समझ आया? अगर वो इस तरह की गड़बड़ कर रहे हैं तब तो बच्चे आप मुझे बताओ, अगर वो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट लेकर के आ रहे हैं, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट लेकर के आ रहे हैं, तो फिर तो पक्का पक्का से गड़बड़ हो सकती है। हम तो उनके ऊपर यकीन कर लेंगे, हम थोड़ी ना ऑथेंटिकेशन पता करते हैं। समझ आया? लास्ट क्लास वाला एग्जाम्पल ऑथेंटिकेशन नहीं होता हमारा। Moreover, entity may have entered into transaction with related parties. देखो related parties, रिश्तेदार, वहाँ पे तो authorization नहीं होगा ना। Top level वाले ने बोला हाँ भाई ठीक है, furniture वाला limited है, उनके father आए कुछ सामान खरीदने के लिए, उन्होंने कहा हाँ ऐसे ले जाने दो, कोई पैसा charge करने की जरूरत नहीं है। तो आप बताओ आपको, और इवन कई बार क्या हो सकता है, कई बार रिलेटेड पार्टीज भी वही बोलेंगी जो क्लाइंट उनको बोलने के लिए बोलेगा, तो रिलेटेड पार्टी के साथ मिली भगत करके गड़बड़ होने का चांस ज्यादा है। आई होप दिस मच इज क्वाइट ओके, राइट? चलो, ये ट्रांजैक्शन पेपर ट्रांजैक्शन हो सकती है, पेपर ट्रांजैक्शन होंगी, मे बी पेपर मतलब सिर्फ पेपर पे होंगे, लास्ट क्लास। अब तो इतनी बात क्लियर? नाउ Not in the nature of investigation. Investigation नहीं है, आप लास्ट क्लास कर चुके हो, ये general हम checking कर रहे हैं। तो हम absolute assurance कर ही नहीं सकते हासिल, हम सब कुछ नहीं कर रहे हैं check. Timeliness of financial reporting and decrease in relevance. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले देखो, जो हमें information मिलती है that decreases over time. मैम मतलब क्या हुआ? देखिए एक बात समझिए, वैसे तो ना आप क्या करो, आप इन्हीं का वाला एग्जांपल समझो जो दे हैव गिवन टू यू। पता है क्या होता है आजकल ना, ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो इकट्ठा, अगर मैं कंपनी की बात करती हूँ तो बताओ कंपनी में कितने साल के लिए होता है? डू यू नो दैट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 एंड ऑल, अगर कंपनी अपने पढ़ाओ। मैम सुना है कंपनी के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होता है, ग्रेट। अब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बेटा 5 साल के लिए हुआ, थोड़ा समझना। जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए हुआ तो ऑडिटर ने सोचा कि एक काम करता हूं, इंटरनल कंट्रोल तो एक से ही होते हैं, पहले साल इंटरनल कंट्रोल को स्टडी कर लेता हूं, अगर अच्छे लगेंगे तो काम कम कर लूंगा, अगले साल कौन सा ही चेंज आ जाएगा इंटरनल कंट्रोल्स में, अगर पिछले साल भी कैश के ऊपर कंट्रोल्स अच्छे थे, जॉइंट कस्टडी थी, सब कुछ था, तो अगले साल भी ऐसा ही होगा। तो उसने क्या किया, उसने 2 साल में तो मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किया, बट नेक्स्ट ईयर उसने कहा कि ठीक है जो मैंने पिछले साल काम किया था उस पर रिलाई कर लेता हूँ। पर एक बात बताओ, पिछले साल वाली इंफॉर्मेशन तो, क्योंकि मैं 100% चेकिंग तो कर नहीं सकता, हो सकता है पिछले साल वाली इंफॉर्मेशन चेंज हो गई हो, देयर कुड बी कि इस साल कुछ नया हो गया, मैम मतलब इस साल जो पर्सन था वो चेंज हो गया, या इस साल वो पर्सन ने पहली बार मिली भगत करके गड़बड़ कर दी, या इस साल पहली बार उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर लगाया जिसके अंदर गड़बड़े नहीं पकड़ी जा रही है, दिस कुड बी पॉसिबल। तो जो पिछले साल इंफॉर्मेशन मिली थी वो इस साल के लिए उतनी रेलिवेंट नहीं है। एक्चुअली हमें हमेशा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, बट हम हमेशा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ले पाए इतना वक्त हमारे पास नहीं होता, सिंपल है ना। से क्या कहते हैं, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। जो ओवर टाइम हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी रेलेवेंस कम हो जाती है, इज दैट क्लियर? राइट? सो बेसिकली टाइमलीनेस। नाउ अब कहते हैं फ्यूचर इवेंट, भैया 31 मार्च को उन लोग बोल रहे हैं गोइंग कंसर्न है, फोरसेबल फ्यूचर में चलेंगे, 2 महीने बाद ही कुछ बहुत बड़ी आपदा आ गई, इंश्योरेंस नहीं था, कुछ सुनामी आ गया, हम एक रिजॉर्ट को ऑडिट करने के लिए गए थे, 2 मंथ्स के बाद ही कुछ और प्रॉब्लम हो गई, 3 मंथ्स के बाद कुछ और प्रॉब्लम हो गई,
तो फ्यूचर इवेंट में जो इन्होंने 31 मार्च को अपने आप को बोला था कि हम फोर्सेबल फ्यूचर टाइम में चलेंगे, क्लाइंट ने बोला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अजम्पशन रखी थी, गोइंग कंसर्न फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, वो गलत हो गई। सो कुछ फ्यूचर इवेंट हो सकते हैं जो एंटिटी को एडवर्सली अफेक्ट कर जाए। आपको एडवर्सली अफेक्ट कर जाए समझ आया? राइट, हम कैसे पता लगा सकते हैं? हम तो बीते साल जो है उसी की बात कर सकते हैं ना, जबकि क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो फ्यूचर इवेंट्स भी अफेक्ट कर सकते हैं। वी जस्ट कैन नॉट, हम उनके बारे में प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, हम नहीं कर सकते ये काम। बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीज टू एग्जिस्ट? हो सकता है बिजनेस ना चले, यानी हो सकता है वो गोइंग कंसर्न ना रहे। राइट, कुछ ऐसी चीज हो जाए, कुछ नया। आप एक बात बताओ, कुछ साल पुरानी अगर बात करते हो तो सन 2020 में मार्च में जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो क्या कुछ लोगों ने सोचा होगा उनका बिजनेस बंद हो जाएगा? उस टाइम पे कितनी सारी चीजें, देयर वर सो मेनी यू नो ट्रैवल की चीजें, छोटे छोटे होटल्स जो बंद करने पड़ गए थे लोगों को। क्यों? क्योंकि 5-6-10 महीने तक कोई आया ही नहीं। पर फिर भी जब उन्होंने सन 19-20, कुछ साल पुरानी बात कर रहे हैं, जब उन्होंने 19-20 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए उसमें तो गोइंग कंसर्न माना होगा, पर वो तो 2020 गुजरते गुजरते पता चला होगा भाई तो कोविड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। अभी तो पुरानी बात हो गई है, बट स्टिल आपको बताओ ऐसी चीज हो सकती है? देखो अब हम इसको क्यों समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने वो चीज देखी है। ठीक है, सो बेसिकली दिस कुड बी, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस और गारंटी, ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस हासिल नहीं करता है। अब एक बार मेरे साथ 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 में रिविजन करके चलिए, पहले बताइए, हाँ जी, व्हाट इज इनहेरेंट लिमिटेशंस? इनहेरेंट लिमिटेशंस जिसकी वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस हासिल नहीं करता है। राइट, खतरा है, रिस्क है कि वो ऑडिट कर रहे हैं उसके बावजूद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़े हो सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ एक बेसिक बात बता रहा हूं। नाउ द थिंग इज, वो ऐसा क्यों है, ऐसा खतरा क्यों है, या ऐसी इनहेरेंट लिमिटेशंस क्यों है, क्यों वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस हासिल नहीं कर पाता? सो क्या है इनहेरेंट लिमिटेशन? इनहेरेंट लिमिटेशन नेचर फिट, ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशन है उसकी नेचर में फिट नहीं हो रहा है, इनहेरेंट लिमिटेशन है उसकी नेचर में फिट नहीं हो रहा है, एनीथिंग यू कैन। ठीक है, ये मैंने इसी हिसाब से बनाया बिकॉज नेचर पूरा लिया हुआ है, नेचर में दो की नेचर हो रही है, एक क्लाइंट के लेवल पे है, याद करने में भी आसानी होगी, क्लाइंट के लेवल पे है, तो क्लाइंट के लेवल पे क्लाइंट क्या बनाता है? राइट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नेचर। एक हमारे लेवल पे हम क्या लगाते हैं? प्रोसीजर्स लगा के एविडेंसेस हासिल करते हैं। फिट, तो फ्यूचर इवेंट है जिसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन नहीं है ऑडिट, एंड टाइमलीनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की रेलिवेंस समय के साथ साथ कम होती जाती है, बट हम कभी कभी पहले के लिए हुए एविडेंसेस पे यकीन कर जाते हैं जो सही नहीं है, और दैट इज वाई हम 100% एब्सोल्यूट अश्योरेंस हासिल नहीं कर पाते हैं। अब आप बताओ जी, इतनी बात कुछ समझ में आई? आसान है ना, मुश्किल नहीं है ना, ग्रेट। चलो अब बच्चे, इतनी बात करके एक आध छोटी छोटी सी चीजें और बोल रहे हूं मैं आपको। वैसे आई शुड टेल यू वन थिंग, ये जो टॉपिक है ना, हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, सच बोल रही हूं, इसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा, हम आगे के टॉपिक पे चले जाएंगे, हम अपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एक्चुअली शुरू कर देंगे उसके बाद से। तो जैसे हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग शुरू करके 2-4-5 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पे अपनी पकड़ अच्छी बना लेंगे और फिर हम चीजों को जोड़ लेंगे, हमें चैप्टर 1 तो ऐसे लगेगा, अरे मैम देखो ना आपने हमको ये टॉपिक करा था एब्सोल्यूट अश्योरेंस का, अच्छा आपने ओपिनियन बताया था उसके ऊपर तो पूरा चैप्टर नंबर 8 है, अच्छा मैम आपने कहा था रिस्क और इंटरनल कंट्रोल उस पर तो पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 है, आपने कहा था एविडेंसेस ऑब्टेन करता है, मैम चैप्टर नंबर 4 का तो नाम ही ऑडिट एविडेंस है। ठीक है, तो ये ऐसी ही बात है, ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? देखो ऑडिटर इज अपॉइंटेड नॉर्मली बाय ओनर्स, कभी कभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी करती हैं, जैसे कंपनीज के केस में जनरली अपॉइंटमेंट मेंबर्स करते हैं एजीएम में। बेटे जब आप लोग अपना फर्स्ट वाले ग्रुप के अंदर लॉ पढ़ते हो, आई नो आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हो लॉ ऑफकोर्स,
सो बेसिकली वहां पर आपने एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट होता है, सेक्शन 139 में आप इसको पढ़ते हैं कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट कैसे होता है। मैम आपने जनरली क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चे कभी कभी ना डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करते हैं फर्स्ट ऑडिटर एंड ऑल, तो कोई बात नहीं, अभी केवल इतनी सी बात। इन केस ऑफ कंपनीज जनरली अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, मेंबर्स करते हैं। मेंबर्स कहाँ करते हैं, एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज के केस में, और बिल्कुल चिंता मत करना, हमारे पूरा गवर्नमेंट ऑडिट का टॉपिक है कंप्लीट बहुत सारे पेजेस के अंदर चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑडिट्स के, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में सीएनडीजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। अगर फर्म है तो अपॉइंटमेंट पार्टनर्स करते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी अपॉइंटमेंट करती हैं, जैसे कहीं कहीं पर ना आरबीआई बैंक्स के अंदर कहीं कहीं आरबीआई के अप्रूवल से अपॉइंटमेंट होता है। डोंट वरी, तुम्हारे यहाँ भी पूरा चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम ही बैंक ऑडिट है। तो जब इन जगहों पे आप सीख लेंगे भाई कहाँ किसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, तो मैं एक लाइन ये लिख सकते हूँ, हर जगह पे एक ही व्यक्ति नहीं अपॉइंट करता ऑडिटर को, डिपेंड करता है क्लाइंट कैसा है, जैसा क्लाइंट होगा वैसे अपॉइंटमेंट के नियम होंगे। सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो ग्रेट, आप कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट आप किसको सबमिट करते हो, तो देखो ऑडिट रिपोर्ट में क्या चीज हम एक्सप्रेस करते हैं, बिना बड़े बताओ, ओपिनियन। एक बार फिर से याद कर लो, ऑडिट रिपोर्ट में क्या एक्सप्रेस करेंगे, ओपिनियन। ओपिनियन किसके बेसिस पे, कंक्लूजन कहां से ड्रॉ करें, एविडेंसेस क्या करके, प्रोसीजर आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग, है ना। सो ऑडिटर एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन इन द रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजंस ड्रॉन फ्रॉम एविडेंसेस ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग। थोड़ा थोड़ा याद आया, चलो ग्रेट। आप रिपोर्ट आप किसको सबमिट करते हो जिन्होंने आपका अपॉइंटमेंट किया है, कंपनीज के केस में मेंबर्स को। हम जब रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, हम अपने यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 के अंदर रिपोर्ट का ड्राफ्ट भी सीखेंगे। रिपोर्ट बनाई, किसको एड्रेस करी, टू हूम, तो हम इन द केस ऑफ कंपनीज मेंबर्स को या फर्म के केस में पार्टनर्स को एड्रेस कर देते हैं। तो इट इज जस्ट फॉर हल्का फुल्का सा अंडरस्टैंडिंग, नॉट मच, ठीक। अब बच्चे एक छोटा सा काम करते हैं, लिसन, मैं क्या करने जा रही हूँ, ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड और ये सब तो हम करेंगे बाद में, हम अभी तक की जितनी चीजें हमने करी है उसके कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहे हो अभी के। अच्छा एक बात सुन लो, सब तुम्हारे क्वेश्चन आंसर बुक के अंदर है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, आई नीड सम पार्टिसिपेशन। होता क्या है, मैं आपको बता भी नहीं रही हूँ ये क्वेश्चन आंसर बुक के अंदर कहाँ कौन से नंबर का, अभी नहीं, जिस दिन हम पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर बुक का पूरा कंप्लीट चैप्टर इकट्ठा नजर से निकाल देंगे इसमें से, तो उस दिन तो उसी वाले पीडीएफ से कराऊंगी ना मैं आपको, ठीक है। अभी क्या, थोड़ा सा ना दिमाग चला लो। एक्चुअली पता है क्या है, अगर ये आप साथ साथ पार्टिसिपेट अभी अभी करते रहोगे कि सिर्फ क्वेश्चन देखा, आप देखना इसमें पूछ क्या रहा है, एग्जाम में प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम बहुत आसान है, ऑडिट में कोई दिक्कत नहीं होती। बट दिक्कत क्या होती है, जब तुम किताब से पढ़ते हो तो पता है क्या होता है, एक ना फॉल्स सी हमको अश्योरेंस मिलती है, अरे क्योंकि वही वही हमने आंसर देख लिया होता है कि अरे हाँ इसका तो आंसर यही है, तो हमारा ना दिमाग नहीं चलता, हम सोच नहीं पाते कि हमसे वो क्या पूछ रहा है, क्या वही हम गलती कराते हैं। सो दैट इज द रीजन कि हमें अभी क्या करना है, अभी अपना माइंड चलाना है, पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अभी तो यही वाला चैप्टर कर रहे हो ना, बाद में इकट्ठा पूरे चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चंस करा दूंगी मैं आपको। तो अभी अभी तक से बताओ आप मुझे, देखो मुझे आपने जो कुछ अभी पढ़ा है उसमें से बताएंगे इसका आंसर कहां से आना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, कॉन्सेप्ट बुक अच्छी तरह से अपनी तैयार कर जाओ अलोंग विद जो आपके कीवर्ड्स, उनको समझ करके, ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर्स बहुत मजे में हो जाएंगे। चलो ढूंढ करके बताना प्लीज। कहते द ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड, वो क्या चीज पूछना चाह रहा है, वो पूछ क्या रहा है हमसे, अभी तो ये देखना है हमें। द ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस, ऑडिट में एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं मिलती, ठीक है। डिस्कस हाउ, आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, आप मुझे अभी कॉन्सेप्ट बुक में देख करके बताओ आप इसमें क्या लिखोगे। डिस्कस हाउ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इट सेल्फ इज वन ऑफ द रीजन्स
ड्यू टू विच ऑडिट कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, पर प्लीज अभी क्वेश्चन बैंक में से नहीं देखना है आपको कुछ भी। अभी हमें दिमाग चलाना है थोड़ा सा अपना, सिर्फ कॉन्सेप्ट बुक को ध्यान में रखते हुए। ढूंढो ढूंढो, 30 सेकेंड्स हैं, पेज नंबर ढूंढो और पेज नंबर के साथ साथ में टॉपिक नंबर मुझे बताओ, कहाँ से क्या लिखेंगे। मैम ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों प्रोवाइड नहीं करता, इसका रीजन पूछ रहा है, तो वो तो इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। और मैम ये तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स पूछ रहा है, अगर ये 3 मार्क्स के करीब में आता है, सो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स तो मैम हमारे पास में ये रहा। हाँ जी बेटा, अगर आप ये चीज पहचान पाए थे तो वेरी गुड, खुद को 2 बारी वेरी गुड बोल लो अच्छे से, ठीक। चलो पक्का से ग्रेट। अब अच्छी एक बात बताओ, अगर मेरे को इसका आंसर लिखना होगा, सो हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद द आंसर, दैट इज जस्ट एक सेकेंड। हाँ जी, सबसे पहली बात, द प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर्स फ्रॉम, मैंने स्टार्टिंग ही कहाँ से किया, इनबिल्ट लिमिटेशंस, तो ये लिमिटेशंस का टॉपिक है। और एक लिमिटेशन क्या है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। मैंने आपको ना सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स आज सच बना दिया, अगर मान लो कहीं पर से फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि नहीं भाई ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका आंसर नहीं भी, कई बार ना स्टडी मटेरियल में पूरे पूरे आंसर्स नहीं दिए होते, तो वो भी आपको दिए हुए हैं। अब ये कहता है द ऑडिटर कैरीज आउट हिज वर्क बाय ऑब्टेनिंग एविडेंसेस, एविडेंसेस कैसे, परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स से, बट प्रैक्टिकल एंड लिमिटेशंस है, लीगल लिमिटेशंस भी है। प्रैक्टिकल कौन सी है, लीगल लिमिटेशन कौन सी है, आपने दोनों की बात कर दिया। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज बच्चे अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स के अंदर यही चीज़ को आपको दिमाग लगाना है कि भाई हमें क्या लिखना होगा और कहाँ तक की बात हम लोगों को यहाँ पर लिखनी होगी। आई होप दैट मच इज क्वाइट ओके, ठीक है। चलो अब बेटा हमारे पास में एक अगला क्वेश्चन आया, you have been appointed as auditor of, just a second, chalo yahi wala pehle bata do, a huge fire broke out in noida plant of kt limited, ek kt limited hai uske andar ek bahut badi fire lag gayi, theek hai। Plant assets comprising building, machinery and inventories were insured from branch of a public sector insurance company. Apart from an insurance surveyor who was deputed for assessing the loss, एक insurance surveyor था जिसको loss का amount बताना था। The regional office of insurance PSU also appointed CA. उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी एक CA को appoint किया for verification of books of accounts, financial records of company and circumstances surrounding the loss, कि भाई loss क्यों हुआ है। He was also requested to submit an early report. क्या ये audit report की nature में है? आप क्या कहना चाहोगे? क्या ये चीज audit report की nature में है या नहीं? चलो बताओ, आप क्या चीज करने के लिए गए हो? आप देखने के लिए गए हो एक फायर हुई, फायर की वजह से लॉस हो गया, आप ये देखने के लिए गए हो कि लॉस कितना है, सीए को चेकिंग करने के लिए जाना है रिकॉर्ड्स को, और ये लॉस हुआ क्यों है, आखिर क्यों ये गड़बड़ हुई है, ये चीज चेक करने के लिए जाना है। सो कैन यू प्लीज टेल, क्या ये ऑडिट के नेचर में है? आप बताओ ऑडिट के नेचर में क्यों नहीं होगा? मैम यहां पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर राय व्यक्त करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? नहीं, हम उसके ऊपर राय व्यक्त करने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो ये ऑडिट की नेचर में नहीं है। ये किसकी नेचर में है? ये इन्वेस्टिगेशन की नेचर में है, राइट? चलो अब हम बताओ एक क्वेश्चन और, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड टू चेक अकाउंट्स वेयर वेदर फ्रॉड एग्जिस्ट, आप बताओ क्या ये रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट है या नहीं है? ये तो आपको वैसे ही देखते ही समझ में आ गया होगा, फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा है या फ्रॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आप ये बताओ क्या ये रीजनेबल अश्योरेंस है? नहीं, ये रीजनेबल अश्योरेंस नहीं है। रीजनेबल अश्योरेंस तो किस चीज के बारे में होती है?
रीजनेबल अश्योरेंस तो होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है या नहीं, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, इसकी वजह से ये चीज जब आप चेक करते हो। ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, यहाँ पे आप क्या चेक करने के लिए जा रहे हो, फ्रॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं जा रहे हो। तो प्रेजेंट केस, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आपको सबसे पहले तो ये जिस टॉपिक के अराउंड है वो वाली बात बोल देनी है, फिर आपको प्रेजेंट केस के ऊपर आना है, एंड देन उसके बाद आपको अपना कंक्लूजन निकालना है कि भाई कंक्लूड आप क्या चीज करोगे, ये कैसा एंगेजमेंट है। सो दिस इज नॉट एन ऑडिट, ये ऑडिट के अलावा कुछ और आप कर रहे हो, दिस इज समथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि आप फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये वाली बात देख रहे हो। ऑडिटर कभी भी ये वाली चीज को चेक नहीं करता है कि फ्रॉड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वाली बात को। आई होप दैट इज क्वाइट ओके। तो आप बताओ, आपने एब्सोल्यूट अश्योरेंस वाला कर लिया, एक आप लोगों ने ये वाला कर लिया, एक आप ये वाला क्वेश्चन भी बताओ। आपका अपॉइंटमेंट हुआ है एज ऑडिटर ऑफ अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने के लिए गए हो। ड्यूरिंग ऑडिट यू नोटिस दैट सर्टेन अकाउंट्स आर नॉट कैप्ड अप टू डेट, अकाउंट्स ठीक से नहीं रखे हैं, तो मैनेजमेंट ने आपको बोला कि प्लीज आप अकाउंट्स भी लिख दीजिए। क्या आप अकाउंट्स लिखेंगे? अच्छा, ये कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? हो सकता आपने आज नहीं पढ़ा हो, कभी पहले पढ़ा हो ये बात। सर आप भी अकाउंटिंग भी कर दो और आप भी ऑडिट भी कर दो, तो आप क्या नहीं रहेंगे, आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अकाउंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज हम यहाँ पे आंसर देखने के लिए नहीं बैठे हैं, प्लीज माइंड इट, है ना? ठीक है, हमें कोई आंसर नहीं देखना है, आंसर्स आर गिवन इन योर क्वेश्चन आंसर बुक, ये पूरा आंसर आपको एज इट इज का एज इट इज दिया है। सिर्फ अगर आप ये बात पहचान पाए कि यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम मैनेजमेंट के बनाए हुए अकाउंट्स को, जो अकाउंट्स मैनेजमेंट ने बनाया हम उसको चेक करने के लिए जाते हैं, राइट? हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं, हम तो उनके बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने जा रहे हैं। सो ऑडिटर का बिल्कुल पार्टिसिपेशन किसी भी तरह से अकाउंटिंग के अंदर नहीं रहता है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, उसका इंडिपेंडेंस हैम्पर हो जाएगा। उसका क्या हैम्पर हो जाएगा बेटा? इंडिपेंडेंस हैम्पर हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? इसलिए वो ऐसा काम नहीं करेगा। अब बेटा आज का मेन काम, मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, मुझे नहीं पता है, मैंने यहां पर आप लोगों को इनके आंसर्स भी नहीं दिए, प्लीज माइंड इट, दीज आर टू क्वेश्चन। आज की क्लास हम थोड़ा छोटा रख रहे हैं, बिकॉज मतलब दीज आर टू क्वेश्चंस, व्हाट यू कैन जस्ट डू, आपको ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है? मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको ये, दिस इज आवर स्मॉल टेस्ट फॉर टुडे, ठीक है? मैं इसको लास्ट में रख लूंगी, दीज टू क्वेश्चंस अगर आप लिख पाए। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन इज बेसिकली, इसका आंसर फॉर 4 मार्क्स का है, एंड जो सेकेंड वाला भी आपके पास में, सेकेंड वाला भी आपके पास 4 मार्क्स का है, दोनों क्वेश्चंस 4 मार्क्स के हैं, ठीक है? आपको इसका आंसर लिखना है। आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज आंसर्स, प्लीज मैंने इसको लिखा नहीं है यहां पर कहीं पर भी, आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज आंसर्स विद यू पीपल इन नेक्स्ट क्लास। या तो हम इसको लास्ट में कर लेंगे, ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ा देती हूँ, या आप इसको अभी अभी नोटिंग कर लीजिए, जस्ट नोटिंग कर लो, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, और ना एक काम करना है, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स जो लिखने हैं, मैंने आपको बोल दिया दोनों क्वेश्चन के आंसर्स के लिए आपको 4 4 मार्क्स के हैं दोनों क्वेश्चंस। आपने अब तक जितनी पढ़ाई की है, अब तक जितनी भी पढ़ाई की है उसके ऊपर बेस्ड है ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस, राइट? आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स और बुक बंद करके लिखना है, ये नहीं कि मैम बुक में से हमको कॉपी करना है। एंड अगर ये दोनों क्वेश्चन 4 4 मार्क्स के हैं, तो आपके 8 से 10 मिनट, वैसे मैक्सिमम 8 मिनट में आपके खत्म हो जाना चाहिए। सो 8 मिनट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 8 मिनट में सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर, आपका पूरी तरह से लिख करके तैयार होना चाहिए, ठीक है? ये कोई चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट नहीं है, चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट 1 खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, फिर हम उसके बाद में करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन,
देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. एक प्रैक्टिकल है, एक लीगल है. मुझे अभी नहीं ध्यान, आपको कुछ ध्यान आया? हाँ, एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जाम्पल फॉर ईच. आप दोनों का एक एग्जाम्पल दीजिएगा. ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन. तो इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल. तो वन मार्क हो गया प्रैक्टिकल का वन एग्जाम्पल, वन मार्क हो गया लीगल लिमिटेशन का वन एग्जाम्पल, टू मार्क्स हो गया आपका ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंस का. मैंने आपको मार्किंग स्कीम भी बता दिया, ठीक है? सो एक आपको ये प्रैक्टिकल, ये हो गया वन मार्क का, लीगल लिमिटेशन हो गया वन मार्क का, और आपने जो डिफरेंस किया इसका हो गया टू मार्क्स. सो इसका फोर मार्क है आपके पास. आप इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लीजिए. देखो, सुनो मेरी बात, क्वेश्चन आंसर बुक के अंदर दिए हुए हैं पर वहां से नहीं देखना है. और ये जो सेकेंड वाला है, ये आपका आरटीपी का क्वेश्चन है. आपके पास न्यू स्कीम के अंदर जब आरटीपी आई तो 24 का ये आरटीपी का क्वेश्चन है, ठीक है? एम मोटर्स लिमिटेड इज अ लीडिंग इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर विद मैनी ऑफरिंग्स अक्रॉस कमर्शियल, पैसेंजर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल. द कंपनी इज पायनियरिंग इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन एंड एंजॉयज कंसिडरेबल एडवांटेज इन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोटिव मार्केट्स. ठीक है भाई, ये इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, ठीक है? जैसे टाटा मोटर्स हो गए एटसेट्रा, और ये बहुत अच्छे से चला रहे हैं. और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज जिसको हम बोलते हैं, उस पर्टिकुलर डोमेन में ये काम कर रहे हैं. जीआर एंड एसोसिएट्स हैव बीन अपॉइंटेड एज इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23. आई हैव टोल्ड यू, ये 2024 में के आरटीपी का क्वेश्चन है, ठीक? क्वेश्चन आंसर बुक में से प्लीज चीटिंग नहीं करना, ठीक है? आपको अपने आप से आंसर लिखना है. अभी कहता है, GNKR newly appointed audit assistants in the firm and a part of engagement team. तो ये कौन हो गए भाई? ये audit assistants हैं, ठीक है? आगे कहता है, for the purpose of audit of M Motors Limited. However, they are confused. पर ये दोनों बच्चे confused हैं about what such an audit tends to achieve. हम audit क्यों कर रहे हैं? वो क्या बताता है? They perceive audit. Perceive audit? उनको ऐसा लग रहा है कि audit क्या है? As a guarantee. उनको ऐसा लग रहा है कि ऑडिट क्या है? ऑडिट इज अ गारंटी अगेंस्ट पॉसिबल एरर्स और फ्रॉड्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. डू यू एग्री? कि आपको लगता है तो आप बताओ. आपसे पूछ रहा है कि ऑडिट गारंटी है. क्वेश्चन में लिखना क्या है? जब आप आंसर बनाएंगे वो क्या पूछ रहा है आपसे? फर्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड वाले पैराग्राफ के अंदर बोले कि असिस्टेंट्स को क्या लग रहा है. असिस्टेंट्स को लग रहा है कि ये गारंटी है. क्या आप उनकी बात से सहमत हो? इन दिस कॉन्टेक्स्ट आप ऑब्जेक्टिव्स भी बताओ, आउटलाइन करो ऑब्जेक्टिव्स. तो लास्ट लाइन से मुझे समझ आया पूछ क्या रहा है. फर्स्ट में तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि दे आर कंफ्यूज्ड ये गारंटी है या नहीं है. क्या आप एग्री करते हो? और एग्री करते हो यानी इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या बताइए? आप ऑब्जेक्टिव्स बताइए. मैंने ना आपको कहीं ना कहीं दोनों चीजें बोल दिया. वो क्या क्या चीजें आपसे पूछ रहा है? सो आपको क्या करना है? देखो, अभी आप स्क्रीन रोक कर इसको कॉपी कर लो अपने पास नोटबुक में, ठीक है? एक पे छोड़ो पूरा का पूरा. पहले आप ये वाला एक क्वेश्चन कॉपी कर लो कि ये 4 मार्क्स का है क्वेश्चन, और इसका आंसर आप बुक को बंद करके एंड देन उसके बाद में आप लिखेंगे क्लास के बाद. ये आपका एक तरह से क्लास का ही काम है. और एक बेटा ये वाले क्वेश्चन का आंसर, एंड देन वी विल टेल यू कि हमने जो लिखा हमने ठीक लिखा या नहीं लिखा, हमने कीवर्ड्स वही लिखे या नहीं लिखे जो उन लोगों ने आंसर में दिया है. सो कैन व्हाट यू कैन डू इज जस्ट पॉज द स्क्रीन, ठीक है? और वैसे आई एम टेलिंग यू, ये वाले जो दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे. आप लोगों का व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है ना, उसके ऊपर ये दोनों क्वेश्चंस आज इट इज प्रोवाइड करा देंगे. भाई ये वाले हैं जो आपको इस क्लास में कर लिया, ठीक? अदरवाइज यू कैन जस्ट पॉज द स्क्रीन, जस्ट नोट डाउन दीज टू क्वेश्चंस एंड देन इसके आंसर्स करेंगे. देखते हैं हमसे 8-8 मिनट में क्वेश्चन के आंसर्स हो जाते हैं बस, ठीक है? चलो अब बेटा केवल एक चीज में आपको और करा रहे हो. आपने नेचर ये कर लिया, हुए पॉइंट्स. अब ये जो इंगेजमेंट और इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक.
ये हमारा नेक्स्ट क्लास का है, अभी हम सिर्फ एसेज की बात कर रहे हैं। बेटे अगर आप पेज नंबर 1.10 पर आएंगे तो पेज नंबर 1.10 पर आपको ये नंबरिंग स्कीम मिलेगी। आज मैं आपको थोड़ा सा नंबरिंग स्कीम के बारे में बता रही हूँ कि जो एसेज हैं कि नंबरिंग स्कीम कैसे है। आपको पता है हमारे जमाने में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत साल पुरानी बात कर रहे हैं, हमारे जमाने में ये स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग हंड्रेड्स में नहीं होते थे। दीज यूज टू बी 1, 2, 3, 4। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना सीए का एग्जाम दिया था तो हमारे टाइम में केवल 13 स्टैंडर्ड्स होते थे। ठीक है, सो कोई बात नहीं, तभी तो मैं सीए बन गई ना, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद में कुछ और नंबरिंग स्कीम चेंज हुई, फिर उसके बाद में ये नंबरिंग स्कीम एक और चेंज हुई, और ये हुई ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो ग्लोबली चला करते हैं। अगर आपको पता हो बच्चे तो हमारे यहाँ पढ़ना बेटा ग्लोबली ना आईएससीज होते हैं, आपको नाम देख के ही समझ में आ गया होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो हमारे यहाँ जो आईसीएआई ने जो ये नंबरिंग स्कीम अडॉप्ट की है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की, ठीक है, जिसका हम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स चीजें पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो वो नंबरिंग स्कीम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्कीम जो चलती है वहीं से अडॉप्ट किया है। मतलब अगर मान लो इंटरनेशनली चलता है आईएसए 700 है ओपिनियन फ्रेम करने पे और रिपोर्टिंग पे, तो हमारे यहाँ पर एसए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग उसका नंबर भी 700 है। इट इज लाइक दैट। तो कैसे बनाया उन्होंने, अगर हंड्रेड्स के अंदर, मैं तुमको एक लॉजिक बताती हूँ ऐसा क्यों बनाया गया होगा। हंड्रेड्स के अंदर इंट्रोडक्टरी मैटर, उसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन्होंने 200 की सीरीज दी। जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑडिटर के, ऑडिटर कैसे, अभी कुछ आएगा वर्किंग पेपर कैसे रखेगा ऑडिटर, सो जो जनरल जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके लिए 200 की सीरीज। अब मैं एक छोटी सी बात पूछती हूँ, आप बताओ जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए उनके पास 100 नंबर हैं, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 ऐसे करके। अगर मान लो उन लोगों को कोई स्टैंडर्ड लाना हुआ, ठीक है, तो कितना सारा स्कोप है उनके पास में। अगर मान लो जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अभी मान लो एक ऐसे 200 है, फिर उसके बाद एक ऐसे 210 है, चिंता मत करो दोनों तुम्हारे सिलेबस में आ, ठीक है, एक 200 है एक 210 है, 210 है, राइट। सो बेसिकली अगर उनको कोई और स्टैंडर्ड लेकर आना है जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से मिलता जुलता है, तो हमारे इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, ऐसे 201 बनाएंगे मिडिल में और नया स्टैंडर्ड ले आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो देयर इज एम्पल स्कोप नए नए और स्टैंडर्ड्स अपने यहां पर लेकर के आने का इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। चलो जी, इसके बाद बेटा ऑडिटर प्लानिंग करेगा और प्लानिंग के साथ रिस्क असेस करेगा। हल्की सी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या करता है, प्लानिंग करता है ना। सो प्लानिंग के साथ ही रिस्क असेस कर रहा है, किस क्लाइंट के यहाँ खतरा कम लग रहा है, किस क्लाइंट के यहाँ खतरा ज्यादा लग रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, किस क्लाइंट के यहाँ खतरा कम लग रहा है, आज आपने यही चीज करी थी, किस क्लाइंट के यहाँ खतरा ज्यादा लग रहा है, किसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बुरे हैं और किसके अच्छे लग रहा है। तो इस तरह से रिलेटेड जितने स्टैंडर्ड्स आएंगे वो 300 और 400 की सीरीज में आ जाएंगे, राइट। एक्चुअली प्लानिंग भी होता है, रिस्क असेसमेंट भी होता है, मटेरियलिटी से रिलेटेड भी आ जाते हैं इसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया, इसका एक सब ग्रुप बना दिया कि ये जितने स्टैंडर्ड्स होंगे वो 300 और 400 की सीरीज में आ जाएंगे। अब जब वो प्लानिंग करता है, रिस्क असेसमेंट करता है, सब करता है, फिर वो कुछ काम करके क्या हासिल करता है, एविडेंसेस हासिल करता है। तो एविडेंसेस के लिए उन्होंने 500 की सीरीज बना दी। एविडेंस कैसे हासिल करोगे, कैसे थर्ड पार्टी से एविडेंस हासिल करोगे, आएगा ऐसे 505 एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस कैसे लीजिएगा आप, उसके ऊपर पूरी की पूरी 500 की सीरीज बना दी। तो अगर इनको एविडेंस पे कोई नया स्टैंडर्ड लेके आना है तो इनके पास कितने सारे नंबर्स है ना, इट्स लाइक 100 नंबर्स दे हैव, वो लोग उसके बीच में एक स्टैंडर्ड कोई भी ला करके दे सकता है आपको। नाउ यूजिंग वर्क ऑफ अदर्स, आपने लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि बिल्डिंग कितने परसेंट कंप्लीट हुई है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में ऑडिटर को नॉलेज नहीं है। तो ऑडिटर किससे पूछ सकता है, किसके काम को ऑडिटर यूज कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपर्ट जिसको बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज हो,
कि भैया बता दो, क्लाइंट कह रहा है कि ये बिल्डिंग 70% बन गई है, उसके बेसिस पे इसने बिल्डिंग का अमाउंट अपने बैलेंस शीट में लिखा है, बता दो भाई 70% बनी है या नहीं। तो आप दूसरों के काम को यूज कर सकते हो, ठीक है, दूसरे पर्सन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भाई ऑडिटर को जिस फील्ड में नॉलेज नहीं है उस फील्ड में ऑडिटर किसी एक्सपर्ट के काम को भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो बस वो वाली चीज उसने कर लिया, वो कहाँ आ गया, दूसरों के काम को यूज करना कहाँ आ गया, वो आ गया 600 की सीरीज के अंदर, राइट। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिपोर्टिंग की सीरीज, इस पे तो पूरा का पूरा आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। सो ऑडिट रिपोर्टिंग, रिपोर्ट कैसे जाएगी, आप रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रखेंगे, ओपिनियन कितने प्रकार की होती है, किस किस तरह के मैटर्स रिपोर्ट के अंदर आते हैं, तो वो सब किसके अंदर दिया हुआ है 700 के सीरीज में। और ये जो स्पेशलाइज एरिया ना, थैंकफुली देखो भाई ये स्पेशलाइज एरिया इंटरमीडिएट में आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप जाकर के फाइनल में पढ़ते हो। वो लोग कहते हैं भाई एक काम करो, तुम लोग तो ना इंटर के अंदर केवल इतनी चीज पढ़ जाओ भाई आपके पास। तो हमारे एक्चुअली क्या है, 100 के सीरीज में अभी कोई स्टैंडर्ड है नहीं, तो आपके यहाँ पर जो शुरू होते हैं वो 200 वाले से शुरू हो जाते हैं हिंदुस्तान में, और वही चीजें हम लोग जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो देयर इज अ वेरी लॉजिकल थिंग कि क्यों इन्होंने ये वाली चीज 100 की सीरीज के अंदर रखी हुई है। यू नो एक तो यू नो इन्होंने ISAs के हिसाब से रखा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, इंटरनेशनली ग्लोबलाइजेशन है हम लोग। आप बताओ जैसे इवन अगर अकाउंटिंग में भी बात करते हो तो इंडियन AS, इंडियस क्या है, जैसे इंटरनेशनली IFRS चलते हैं उसी का इंडियन प्रतिरूप है, यू कैन से दैट, ठीक है। उसको ही इंडियन सर्कमस्टांसेस में एप्लीकेबल कैसे करना है, थोड़े थोड़े विद यू नो चेंजेस वो चीज करिए। इसी प्रकार से जो ISAs है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उन्होंने ये 100 की सीरीज अपनाई हुई है हर पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए, कि भाई ठीक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑडिटर के जो होंगे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, एंगेजमेंट लेटर मतलब क्लाइंट के साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कैसे कैसे डिसाइड करेगा, ये सब जो जनरल जनरल बातें हैं, इसके लिए 200 की सीरीज हो गई, प्लानिंग रिस्क असेसमेंट इवन मटीरियलिटी वगैरह भी सब इसमें आ जाएगा, उसके लिए 300-400 हो गया, एविडेंसेस बेस्ड सीरीज वो 500 की सीरीज हो गई, यूजिंग वर्क ऑफ अदर्स, ठीक है, तो अदर्स का काम कैसे यूज करना है, किस तरह से है, आप कैसे रिलाय कर सकते हो, उसके पास 600 की सीरीज हो गई, और ओपिनियन कैसे बनानी है, और फिर उस ओपिनियन को रिपोर्ट में कैसे लिखना है, और रिपोर्ट की जो ड्राफ्टिंग है वो कैसे कैसे है, उसके पास 700 की सीरीज हो गई। बहुत आसान है, बहुत लॉजिकल है, ठीक है। देखो हमारे टाइम में तो क्या होता था, जब 1-2-3 होता था, ठीक है ना, 1-2-3-4-5, तो अगर मान लो बाद में इंस्टीट्यूट को कोई प्लानिंग के ऊपर भी कोई नया स्टैंडर्ड लेके आना है तो उसका नंबर भी लास्ट में जाके आएगा, आप समझ पा रहे हो। तो हमारे टाइम वाली जो स्कीम थी वो तो अच्छी नहीं थी ना। अब तो अगर इंस्टीट्यूट को कोई प्लानिंग से मिलता जुलता कोई नया स्टैंडर्ड लेके आना है तो उसके पास कितने सारे नंबर्स है अभी, ठीक। सो दैट इज हाउ दे हैव कैप्ड दीज काइंड ऑफ यू नो नंबर्स एंड ऑल। सो बेसिकली इस तरह से हमारे पास में आता है, और फिर हम धीरे धीरे ये स्टैंडर्ड्स, सो हमारे पास प्लानिंग रिस्क असेसमेंट, प्लानिंग के ऊपर हमारे पास पूरा चैप्टर 2 है, दैट इज ऑन ऑडिट प्लानिंग। रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर हमारे पास पूरा चैप्टर नंबर 3 है, ऑडिट एविडेंसेस की स्टैंडर्ड की सीरीज, उसके ऊपर हमारा चैप्टर नंबर 4 बना हुआ है। यूजिंग वर्क ऑफ अदर्स के अंदर 600 और 610 हमारे चैप्टर नंबर 4 के अंदर और 8 के अंदर आ जाते हैं, वहीं पे दिए हुए हैं जो 2 हैं स्टैंडर्ड हमारे यहाँ। रिपोर्टिंग पे पूरा एक बड़ा हमारे पास में चैप्टर बना हुआ है कंप्लीटली, जिसमें SA 700 की सीरीज के जो जो स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में है वो सब है, ठीक। दैट इज हाउ दे हैव फ्रेम्ड आवर सिलेबस दैट वे। सो हमारे सिलेबस में मैक्सिमम है ही क्या, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसको हम अपना नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से करना स्टार्ट करेंगे। आई होप दैट मच इज क्वाइट ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं लग रही है। तो अभी हमने सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन किया है, हम अभी और नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ नहीं चल रहे हैं, बिकॉज उसमें ऑडिट के अलावा कुछ और बात करनी है हमें। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक छोटी सी चीज, अगर आप लोगों ने अभी भी ये वाले क्वेश्चंस, ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है, अगर ये नहीं लिखे है इसको बस आप नोट डाउन कर लो, एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस,
कि देखते हैं तुमने कितनी चीज़ लिखी, कैसे लिखी, हम खुद को यू नो मार्क्स अवॉर्ड करेंगे। हाँ ठीक है, अगर हमने ये बात लिखी है तो हमें इतने नंबर मिल जाएंगे, ये बात लिखी है तो हमें इतने नंबर मिल जाएंगे, पर प्लीज़ चीटिंग नहीं करना। मैंने तुम्हें गलती से बता दिया कि आरटीपी का क्वेश्चन है 24 का, तो ये नहीं कि इंस्टीट्यूट की साइट से आरटीपी डाउनलोड करके उसका आंसर देख लो आप, ठीक है। चीटिंग नहीं करना, अपने आप से लिख करके देखेंगे ऐसे करके। अभी बस ये दो सवाल करेंगे, चैप्टर वन कंप्लीट हो जाएगा, उसका टेस्ट उसके बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जस्ट कीप ऑन स्टडीइंग। यही दो क्वेश्चन है, अगर कॉपी नहीं करे हैं तो स्क्रीन रोक के एक बार कॉपी कर लो, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।